اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عجبتكم وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين अलबत् एक ईमान वाली लॉन्डी मशरक औरत से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें भली ही लगे और तुम तो मुसलमान औरतें मशरक मर्दों के निकाह में ना दो यहाँ तक के वो ईमान ले आए अलबत् मोमिन ग़ुलाम मशरक से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें भला ही लगे ये मशरक तो दो की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से तुम्हें जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और वो लोगों के लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें और ए नबी अलैहि वसल्लम लोग आपसे के बारे में सवाल करते हैं कह दीजिए वो तो गंदगी है तुम हैज की हालत में औरतों से अलग रहो और उनसे हम बिस्तरी ना करो यहां तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं बस तुम जिस तरह चाहो अपनी खेती में आओ और तुम अपनी ज़ात के लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक एक दिन तुम्हें उससे मिलना है और मोमिनों के लिए खुशखबरी है और मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए और तुम अल्लाह का नाम अपनी कस्मों के लिए इस्तेमाल ना करो ये कि तुम नेकी नहीं करोगे और तकवा नहीं अपनाओगे और लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है अब यहाँ पर सबसे पहले जो एक बात कही जा रही है कि मशरक मर्दों और मशरक औरतों से मोमिन मर्द और औरतें निकाह ना करें और वजह यह बताई जा रही है कि ये लोग आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाता है तो लिहाजा कोई भी ऐसा रिश्ता जो अकीदे को और ईमान को कॉम्प्रोमाइज करता हो उससे दूर रहना चाहिए और कोई भी ऐसी सोहबत कोई भी ऐसी कंपनी जो अकीदे की कमजोरी का बायस बने या ईमान की कमजोरी का बायस बने तो उससे इंसान को दूर रहना चाहिए और ये जो मुशरिक है इसमें अहले किताब जो है वो उस उनका इस है यानी वो एग्जाम्पेड है क्रिश्चियन औरत और ज्यू औरत और और से एक मुसलमान मर्द शादी कर सकता है लेकिन एक मुसलमान लड़की के लिए क्रिश्चियन मर्द और ज्यू मर्द भी मना है उसके कमजोरी की वजह से और ये कि कहीं वो उनके प्रेशर में आके अपना दीन ही ना खराब कर बैठे या दीन ही ना खो बैठे फिर उसके बाद अल्लाह सुबह ने फरमाया तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और खेती का भी जैसे हमने पीछे पढ़ा ना हुन्ना लिबास लिबास लिबासबासना तो अल्लाह ताला जो ये मेटाफोरिकल बात जहां भी बयान फरमाते हैं तो उसके इंतहाई डीप मीनिंग्स होते हैं जिस तरह लिबास का हमने देखा था कि कितना खूबसूरत और डीपर मीनिंग है आपस के मैरिटल रिलेशनशिप का इसी तरह से खेतियां भी एक बहुत ही डीपर मीनिंग वाली एक ये फ्रेज है के जिस तरह से इंसान अपनी खेती को सैराब करता है उसकी हिफाजत करता है उसका ख्याल रखता है उसको सर्दी गर्मी से बचाता है उसके लिए दुआएं करता है रातों को जागता है उसके लिए यानी कोई भी उसकी जरूरत है उसकी जरूरत को पूरी करता है उसको पानी की जरूरत है उसको सनलाइट की जरूरत है उसको इवन जैसे आज कल हम खाद रात किसी भी चीज की उसको जरूरत है तो वो किसान उसकी खेती की जरूरत को पूरी करता है अपना पेट काट के भी उसकी वो जरूरिया पूरी करता है तो इस तरह से फिर वो खेती जो है वो प्रोडक्टिव होती है फिर वो फसल जो है वो लहलहा उठती है तो ये भी मैरिटल रिलेशनशिप का एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है कि किस तरह से खेती की हिफाजत की जाती है और किस तरह फिर इन रिटर्न खेती के अंदर से लहलाती हुई फसलें मिलती हैं जिनसे के फायदा होता है इसी तरह से मर्द हजरात के लिए यह है कि वो उस तरह अपनी खातिन को रखें और उनकी हिफाजत करें और उनको ट्रीट करें जैसे किसान अपनी खेती को ट्रीट करता है और उसके नतीजे में एक बाबरकत रिलेशनशिप वजूद में आएगा और उसके नतीजे में जो औलाद भी हासिल होगी वो भी इंसान के लिए सदका इजारिया बनेगी फिर इसके बाद दूसरी बात जो है वो है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक नेक काम किया और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला तो अब यह है कि मैं नेक काम करूंगी नहीं मसलन किसी की सुलह कराने में आप जरा थोड़े से जिच हो गए आप तंग हो गए लोगों ने आपकी बात नहीं मानी या आप ही को बुरा भला किसी ने कह दिया तो आइंदा के लिए आप कहें कि मैंने तो इस काम में पढ़ना ही नहीं तो कभी भी नेकी का काम ना करने की कसम नहीं खानी चाहिए चाहे आपको उसके ऐसे लग रहे हो कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं है अल्लाह तुम्हारी लफ कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा लेकिन वो उन कस्मों पर तुम्हें जरूर पकड़ेगा जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत हौसले वाला है जो लोग अपनी औरतों के पास ना जाने की कसम खा लेते हैं यानी सेपरेशन नाराजगी वाली सेपरेशन उन्हें चाहिए कि चार माह इंतजार करें फिर अगर वो रजू कर लें तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम वाला है यानी ये जो सेपरेशन है नाराजगी वाली तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड अल्लाह ताला ने दे दिया चार महीने चार महीने के बाद या आप सुलह करें और या आप किसी नतीजे पे पहुंचे ये नहीं होना चाहिए कि मियाँ बीवी नाराज भी, भी, भी हैं और अलग अलग भी रह रहे हैं और आगे का कोई फैसला भी नहीं कर रहे और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है और तलाक़ याफ्ता औरतें तीन हज़ तक अपने आप को इंतजार में रखें ये तलाक़ याफ्ता की इ्दत है और उनके लिए जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके पेट में जो कुछ पैदा किया है उसे छुपाएं अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं तो ऐसा हरगिज ना करें और उनके शौहर अगर इसलाह का इरादा रखते हो तो वो ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें इस मुद्दत में लौटा लें और दस्तूर के मुताबिक औरतों के लिए मर्दों पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के लिए औरतों पर हैं अब्दुल्ला बिनास के बारे में आता है कि वो अपने घर में जब जाते तो घर में दाखिल होने से पहले अपने आप को ग्रूम करते अपनी कंगी करते परफ्यूम लगाते और ये आयत पढ़ते वलहना मिसल बिलमूफ कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए सजे सवरे तो उसका भी हक है कि मैं साफ सुथरा और ग्रूम हो अपनी बीवी के पास जाऊं और मर्दों के लिए उन पर एक फजीलत है और अल्लाह खूब तलाक़ रजई दो मरतबा है फिर या तो औरत को दस्तूर के मुताबिक रोक लिया जाए या भलाई के साथ छोड़ दिया जाए तलाक़ रजई में वो अपने पहले शोहर के पास जा सकती है और तुम्हारे लिए ये जायज नहीं कि तुम उन्हें जो दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो हक महर का ताल्क तलाक के साथ नहीं है हक महर का तालुक निकाह के साथ है हम अमूमन उसको तलाक के साथ जोड़ देते हैं ये निकाह के वक्त देने की चीज है अलबत् अगर कोई आपस में ये कर ले लिया जाएगा और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाए तो फिर उसमें इशू नहीं है लेकिन उसको देना ही नहीं है और उसको ये रखना कि ये तलाक के वक्त की चीज है तो ये हमारे माशरे में एक गलत है जो फैल गई है और बल्कि ये कहा जा रहा है कि हक महर जो निकाह के वक्त दिए थे और उसके अलावा भी जो तोहफे तहफ दिए थे वो तलाक के वक्त वापस नहीं लेने ये तुम्हारे लिए जायज नहीं मर्दों के लिए इल्ला ये कि दोनों को डर हो कि वो अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे बस अगर तुम्हें डर हो कि वो दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं रख सकेंगे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि औरत में वो माल देकर खुला हासिल कर ले ये अल्लाह की हदें हैं सो तुम उनसे आगे ना बढ़ो और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावज करते हैं वही ालिम है खुला ये है कि औरत तलाक लेती है खुद मांगती है और उसमें फिर ये होता है कि अगर मर्द कहे कि जो मैंने तुम्हें दिया है वो वापस कर दो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ क्योंकि मैं तो नहीं देना चाहता तो फिर उसको चाहिए कि वो हर चीज वापस कर दे रसूल अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ इस तरह की हैं कि है खवातीन ने खुला लिया तो एक सहाबी थे जिन्होंने बाग महर में दिया हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका बाग वापस कर दो और खुद चली जाओ तो उन्होंने वो बाग वापस कर दिया और वो अपने पेरेंट्स की तरफ चली गई वो खातून और खुला जो है इसकी इद्दत एक माह होती है या एक हैज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों में सारा कुछ मिक्स कर दिया गया है खुला क्या तलाक क्या हर चीज जो है ना उसका एक ही तरह का वो रंग ढंग बना दिया गया है इस्लाम ने जो ये उसूल दिए हैं ये भी बहुत ही हिक्मत और दानाई पर मबनी है कि तलाक देने की क्या एटिकेट है कितनी अच्छे अखलाक के साथ तलाक दी जाएगी और किस तरह किन किन इद्दतों के दौरान औरत वापस रजू कर सकती है मर्द रजू कर सकता है वो वापस जा सकती है हम हमारे यहाँ हर चीज का ये सबसे ज्यादा किसी चीज में अगर अहकाम में बिगाड़ आया है ना सोसाइटी में तो तलाक में है फिर अगर वो खामत उसे तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी और शोहर से निकाह करे फिर अगर वो भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों सबका मिया बीवी पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में रजू कर लें अगर वो दोनों ख्याल करें कि अल्लाह की हदें कायम रख सकेंगे और ये अल्लाह की हदें हैं वो उन्हें इन लोगों के लिए बयान करता है जो इल्म रखते हैं यानी अगर तीसरी भी दे दी तो उसको कहते हैं तलाक के बाइन और बाइन तलाक में फिर वो बिल्कुल हराम हो जाते हैं एक दूसरे के लिए फिर अगर औरत आगे कहीं और शादी करती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसका हस्बैंड उसको तलाक देता है या खुदा ना खास्ता दूसरा हस्बैंड फौत हो जाता है फिर वो पिछले के लिए दोबारा जायज़ हलाल हो जाती है लेकिन हमारे माशरे में फिर वही बात है कि जो हलाला का कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो ये अः जो प्लैंड हलाला है कि अब ये फलां से निकाह कर ले उसके साथ एक रात गुजार ले और फिर वो वापस पिछले हस्बैंड के लिए हलाल हो जाएगी तो प्लान हलाला करने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर लानत फरमाई जो हलाला करता है और जिसके लिए करवाया जाता है और इसकी इतने इतने घिनौने नतीजे निकलते हैं बात एक साइकोलॉजिस्ट थी उनसे एक मरतबा बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज का और सुसाइडल खुवा मेरे पास आई हैं के जिनका इशू ये था कि शौहर को गुस्सा चढ़ा शोहर ने तीन तलाक के दी शौहर ने फिर रिग्रेट किया और फिर उसने हलाला करवाया और ये जो खातून है जो सारे थ्रू बेकसूर है तो ये आ, मेंटली एल हो गई है ये सुसाइडल हो गई है कि ये मेरे साथ ये हलाला का प्रोसेस क्यों करवाया गया कोई आसान थोड़ी होता है तो कोई अपनी रजाबत के बगैर सिर्फ इसलिए कि एक गलती शोहर की है तो उसमें तलाक देने का एटिकेट ये है कि एक तलाक दी जाए एक तलाक के बाद वो हो जाता है जो आप चाहते हैं यानी औरत जो है वो इद्दत गुजार ले तो उसके बाद वो आजाद है कि वो अगला निकाह कर ले एक तलाक के बाद भी और लेकिन साथ ही वो ये भी उसके पास चॉइस मौजूद है कि अगर उसका पिछला शोहर रजू करना चाहता है उससे गलती होगी तो वापस अपने शोहर के पास चली जाए ये जो तीन तीन देना और फिर उसमें अपने आप को मुश्किल में डालना ये ज्यादा है अपने के साथ भी और फिर प्लैंड हलाला जो है ने हलाला करने और करवाने वाले पर लानत की है और जब तुम औरतों को पहली या दूसरी तलाक दो फिर उनकी हिद्दत पूरी होने को हो तो उन्हें दस्तूर के मुताबिक रोक लो या उन्हें दस्तूर के मुताबिक छोड़ दो और उन्हें सताने के लिए ना रोको ताकि तुम ज्यादती करो यानी एक तलाक दी फिर ब्लैक मेलिंग की और फिर रजू कर लिया और फिर उसके बाद तलाक दी फिर ब्लैक मेल किया फिर रजू कर लिया तो ये जो ज्यादा वाले काम है ये नहीं करने और जो कोई ऐसा करेगा वो यकीन है न अपने आप ही पर जुल्म करेगा और तुम अल्लाह की आयात को हंसी मजाक ना बनाओ ये तलाक कोई मजाक नहीं है ये बड़ा संजीदा मामला है और अल्लाह की तरफ से तुम पर जो इनाम हो उसे याद करो और इस किताब और हिकमत की बात और इस किताब और हमत को भी याद करो जो उसने तुम पर नाजिल की वो तुम्हें उसकी नसीहत करता है और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है और जब तुम औरतों को तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए तो उन्हें इस बात से मत रोको कि वो अपने पहले खामदों से निकाह करें यानी रजई तलाक में बात जो लड़की के घर वाले हैं वो अना का मसला बना लेते हैं कि अब इसी बंदे से जिसने हमारी बेटी को या बहन को तलाक दी है हमने दोबारा उससे निकाह नहीं करना तो उनको भी इस चीज से रोका जा रहा है कि अगर वो वाकई शर्मिंदा है और वो वाकई दोबारा निकाह करना चाहता है तो फिर उसको मत रोको जबकि वो दस्तूर के मुताबिक आपस में राजी हो ये उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तुम्हारे लिए बहुत सुलझा हुआ और ज्यादा पाकीजा तरीका यही है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते वल वालिदातु يردعن اولادهن حولين لمن اراد ان يتم الرضاعه और मांएं अपनी औलाद को पूरे दो साल दूध पिलाएं ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो दूध पिलाने की مدت पूरी करना चाहे इस सूरत में बाप के जिम्मे है कि उनकी माओ को दस्तूर के मुताबिक खाना और कपड़ा दे यानी हो चुकी है लेकिन बच्चा है दूध तो न माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए यानी बच्चा छीन लिया जाए या ये के दूध तो इसने पिलाना ही है अपनी मजबूरी अपनी ममता की मजबूरी की वजह से तो हम मुआवजा दें ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूध तो इसने पिलाना ही है तो ये माँ के साथ जाती है और ना ही बाप को उसके बच्चे की वजह से तंग किया जाए कि बाप चाहता है कि माँ बच्चे को दूध पिलाए लेकिन उससे इतना मुआवजा तलब किया जाए जितना वो दे ही नहीं सकता और अगर बाप मर जाए तो उसके वारिस का यही जिम्मा है फिर अगर दोनों माँ बाप आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाने का इरादा करें तो उन दोनों पर कुछ गुना नहीं और अगर तुम इरादा करो अपनी औलाद को किसी और औरत से दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुना नहीं जबकि तुम इस मुआवजे की अदायगी कर दो जो तुमने दस्तूर के मुताबिक देना तय किया हो और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह तुम्हारे हर अमल पर कड़ी निगाह रखता है जो तुम करते हो दूध पिलाना जो है ना आ, बच्चे का हक हाँ है और बात बहुत सी माए तो पिलाती हैं लेकिन बहुत सी खातन बहुत सी लड़कियां जो हैं वो इस मुश्किल में पड़ने की बजाय पहले ही दिन वो जो डब्बों का एक आर्टिफिशियल वो जो भी फार्मूला है लेकिन है तो वो आर्टिफिशियल ना तो जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल खुराक बच्चे की पैदा की है वो उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है तो उसको उससे महरूम नहीं करना चाहिए फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ पर और वो इस्लाम का एक बड़ा खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है वो है रदात कि कोई औरत और दूध पिला ले और जब वो दूध पिला लेती है तो वो रजाई माँ बन जाती है और वो जो बच्चा है उसको एक पूरा खानदान और मिल जाता है उसको एक माँ मिल जाती है एक और उसको रजाई बाप मिल जाता है वो सारे रिश्ते जो उधर से चलते हैं बहन भाई और फिर खाला मामू चचा वो रजाई चचा रजाई खालाएं वो सारे एक महरम के रिश्ते बन जाते हैं और सिवाय इसके कि वो विरासत में शरीक नहीं होते अदरवाइज वो एक बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला एक रिश्ता होता है तो हमारे यहाँ इसकी भी अब कमी आ गई है हम हर चीज में सेल्फिश होते होते हम दूध पिलाने में भी सेल्फिश हो जाते हैं किसी और के बच्चे को पिलाएं ना पिलाएं और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ जाएं तो चार महीने दस दिन अपने आप को इंतजार में रखें फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं वो अपनी जात के मामले में दस्तूर के मुताबिक जो चाहे करें उन्हें इख्तियार है और अल्लाह तुम्हारे हर अमल से खूब खबरदार है जो तुम करते हो और इस बात में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों की इद्दत के दौरान उन्हें इशारे के नए में निकाह का पैगाम दो या तुम अपना इरादा अपने दिलों में छुपाए रखो अल्लाह जानता है कि बेशक तुम इन औरतों का जिक्र जरूर करोगे लेकिन उनसे निकाह का खुफिया वादा ना करो मगर यही के दस्तूर के मुताबिक बात करो इद्दत के दौरान पुख्ता अहद के किसी औरत से कर लेना कि मैं आपसे निकाह करूंगा तो आपकी इद्दत के बाद या ये के इद्दत के दौरान उसको पैगाम निकाह बड़ा सीरियस भेज देना ये दुरुस्त नहीं है इसलिए इसमें भी बड़ी इमोशनल हिकमतें इसके अंदर है के बाद कोई खातून चाहे वो तलाक की इद्दत में हो चाहे वो बेवगी की इद्दत में हो वो परेशानी के आलम में किसी अच्छे रिश्ते से जज्बात में आके इनकार भी कर सकती है या डेस्परेशन में वो किसी कोई गलत फैसले पर भी पहुंच सकती है तो लिहाजा ये जो टाइम पीरियड अल्लाह ताला ने रखा है ना इमोशनल स्टेबिलिटी का एक औरत के लिए ये बहुत जरूरी है जो अपनी आगे की जिंदगी का फैसला करना है वो इन दिनों के बाद करे कोई सीरियस पैगाम निकाह भेजना है तो वो इसके बाद आए इद्दत के बाद आए और इन बिटवीन अगर इशारे के नाये से फॉर एग्जाम्पल लड़की के बाप से या भाई से बात की जाए कि हमारा ये इरादा है तो वो किया जा सकता है लेकिन पुख्ता आहद नहीं करना चाहिए और अकदे निकाह का पुख्ता इरादा मत करो यहाँ तक की इ्दत पूरी हो जाए और जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है बस तुम उससे डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत बुरदवार है तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो यानी रुखसती भी नहीं हुई और ना उनके लिए कुछ मेहर मुकर किया हो सिर्फ निकाह हुआ था अभी मेहर मुकर होना बाकी था और रुखसती भी होनी बाकी थी और सबसे पहले इस, इन सब चीजों से पहले ही तलाक हो गई तो फिर क्या कुछ देना है या बस बात खत्म ना रुखसती हुई ना मेहर मुकर्र हुआ था अल्लाह ताला ने जो ये तलाक है इसमें क्योंकि ज्यादा सफर लड़की करती है खातून करती है तो अल्लाह ताला ने उनकी सेंसिटिविटी और उनके स्टेटस की और उनकी इज्जत आबरू की जो सेंसिटिविटी है उसके मद्देनजर एहकाम तलाक में वो दिए हैं कि जिनमें खातून को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल कुछ हेल्प कर दी जाए कुछ तोहफे तहिफ दे दिए जाए अब अगर निकाह हुआ है लेकिन रुखसती भी नहीं हुई और हक मेहर मुकर भी नहीं हुआ ताला हैं, फिर भी उन्हें कुछ मालो मत दे दो वसत वाले आदमी पर उसकी हैसियत के मुताबिक है और हक्कन अलल हैसिन ये नेकी करने वालों पर लाजिम है अगर आप महसिन के लेवल पर नेकी करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप जब आपको देने की जरूरत भी नहीं है तो भी दे दिला के रुख्सत करें हमारे यहाँ तो ये यह होता है कि जो उसका अपना आया हुआ कोई चीजें होती हैं वो भी रख ली जाती हैं और अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो जबकि तुम उनके लिए मेहर मुकर कर चुके हो तो उस मेहर का हिस्सा अदा करना होगा जो तुमने मुकर किया हो हाँ वो औरतें चाहें तो मेहर माफ कर सकती हैं या वो शख्स माफ कर सकता है जिसके हाथ में अकदे निकाह है और तुम माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है रुखसती नहीं हुई लेकिन मेहर मुकर हुआ हुआ था और तलाक हो गई तो फिर आधा मेहर देना होगा इल्ला यह कि वो लड़की या लड़की के घर वाले कहें कि हमें नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह ताला फिर भी इस सूरत में भी मर्द को कह रहे हैं कि तुम पूरा दे दो तुम आधे पे भी ना जाओ तुम एहसान के लेवल पे जाओ और तुम पूरा ही दे दो और तुम माफ कर दो यानी पूरा ही दे दो तो ये के ज्यादा करीब है और तुम आपस में भलाई और एहसान का बर्ताव करना मत भूलो बेशक अल्लाह तुम्हारे हर माल पर निगाह रखता है जो तुम करते हो और तुम सब नमाजों और खास तौर पर दरमियान वाली नमाज की हिफाजत करो यानी असर की नमाज और अल्लाह के सामने आजी करने वाले बनकर खड़े हो असर की नमाज जो है ये इंसान के ईमान की एक अमत भी है इन द सेंस कि इसको वक्त पे पढ़ना अः इंसान को निफाक से बचाता है खास तौर पर असर की नमाज को लेट करना मुनाफिकत की अमत है दिल में निफाक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल का सलातुल मुनाफिक ये मुनाफिक की नमाज है के वो असर की नमाज को सूरज पीला होने तक उसको डिले करता रहता है और फिर जब उसको पढ़ता है तो उसमें अल्लाह का जिक्र कम ही करता है और जमीन पे चार्ट मारता है और बस वो इसकी नमाज हो गई फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार ही नमाज पढ़ लो फिर जब तुम अमन में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे अब यहाँ पर आप देखें कि मैरिटल लाइफ के कवानीन आ रहे हैं और उन कवानी के अंदर दरमियान में नमाज के जिक्र आ आ गया हाफिल्दू अलसलावाद अपनी नमाजों की हिफाजत करो वसला तस्ता और असर की नमाज जरूरी उसकी भी हिफाजत करो तो आप देखिए कि इंसान जब मैरिटल प्रॉब्लम्स का शिकार होता है ना तो फिर कई तरह के मसाइल होते हैं कई लोग आ जा रहे होते हैं कभी किसी से कोई बहस हो रही होती है कभी कोई बात हो रही होती है कभी वैसे इमोशनली इंसान कितना अपसेट होता है डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है तो ऐसे में इंसान का जो नमाज है वो कई दफ़ा छुट जाती है और वो कई दफ़ा उससे बेदिल हो जाता है या कई दफा अपनी किसी मसरूफियत में उसको पढ़ता नहीं है या पढ़ नहीं पाता तो अल्लाह ताला ने नमाज की तरफ तवज्जो दिलवाई कि कुछ भी हालात हो जिंदगी के तो अपनी नमाजों की हिफाजत करना इसलिए कि आप देखें कि अजान में आता ना हया अलफलाह कामयाबी की तरफ आओ हमें दुनिया में जितने भी झमेले हैं न हम उनमें कामयाब होना चाहते है न हम उनमें कामयाब होना चाहते हैं तो कुंजी नमाज में है के थोड़ी देर के लिए सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाओ प्रेयर मैट पे आ जाओ नमा जाए नमाज के ऊपर आ जाओ और सजदा करो और रुकू करो और दुआएं करो तुम रिज्यूविनेट हो जाओगे तुम्हें कई प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा उसी नमाज के दौरान तुम्हें कु्वत मिलेगी तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी तुम्हारी फिजियोलॉजी काम डाउन हो जाएगी और फिर दोबारा उस चीज के अंदर दोबारा दाखिल हो जाओ कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए चाहे आप कोई किसी शादी में मसरूफ हो चाहे आपके घर में कोई भी मसरूफियत है तो आप कहें कि नमाज छोड़ दू या मैं बाद में पढ़ लूंगी और बाद में याद ही ना रहे वक्त पर नमाज आपके वो बाकी सारे काम ठीक करवा देगी इनशाला और तुम में से जो लोग वफात पा जाए और बीवियां छोड़ जाए उन पर अपनी बीवियों के हक में वसीयत करना लाजिम है कि उन्हें खर्च दिया जाए और उनको एक साल तक घर से ना निकाला जाए फिर अगर वो खुद चली जाए तो तुम पर इस बारे में कोई गुनाह नहीं जो वो दस्तूर के मुताबिक अपनी जात के मामले में करें ये पहले ये हुक्म आया था कि बीवियों के बारे में वसीयत कर देना कि वो एक साल तक रुकी रहे ससुराल में जब चार महीने दस दिन की आ गई बेवा की तो उसके बाद ये मनसूख हो गया हाँ अगर कोई औरत अपने ससुराल में रहना चाहती है और वो भी रजाबत रखते हैं अपनी अः इस तरह बहू को अः बेवा को तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है और अल्लाह गालिब है खूबत वाला और जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी दस्तूर के मुताबिक कुछ दे दिलाकर रुख्सत किया जाए ये मुत्त लोगों पर लाजिम है दो दफा बात आ रही है अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो मैं किसी को जानती हूं जिनके बेटे और बहू की तलाक हुई फिर उन्होंने उस बच्ची को पहले उन्होंने लॉकर की चाबी दी और कोई कंबाइंड लॉकर था उनका उन्होंने कहा कि जो निकालना है निकाल लो जाके उसके अंदर से जो तुम्हारा है खैर उस बच्ची ने अपना सारा जेवर जो कुछ इन्होंने उसको दिया था और कीमती से कीमती चीजें और बिल्कुल लेटेस्ट दी हुई चीजें भी हर चीज जो है वो वो ले गई और इन्होंने उसको चाबी दी और खुद साथ भी नहीं गई फिर उसने अपने को कपड़े वगैरह लेने आना था उस वक्त ये घर में ही नहीं थी घर से ही चली गई और इन्होंने कह दिया पीछे जो कोई भी थे उनको कि जो चीज वो ले जाना चाहे हती के कोई फर्नीचर का पीस भी उठा के ले जाना चाहे ऊपर उप, अपने पोर्शन में से तो वो ले जाए तो वो अपने कपड़े ले गई जो कुछ भी वो ले गई तो ये वो अखलाक है कि जो हमें कुरान पढ़ने से आता है जो हमें दीन सिखाता है ना कि ये कि इंसान उस वक्त अपना दिल इतना छोटा कर ले नबी अलैहि वसल्लम के आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से मौत के डर से निकले और वो कई हजार थे बस अल्लाह ने उनसे कहा तुम मर जाओ फिर उसने उनको जिंदा कर दिया बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते और तुम अल्लाह की राम में लड़ो और जान लो कि बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे फिर अल्लाह वो माल उसके लिए कई कई गुना बढ़ा दे और अल्लाह ही तंगी करता है और फराखी करता है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे कर्ज हसना क्या है जो सवाब की उम्मीद से दिल की खुशी से दिया जाए अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कर्ज हसना वो कर्ज है जो हलाल माल से दिया जाए फिर इसी तरह से कर्ज हसना वो कर्ज है यानी किसी को भी आप देते हैं कर्ज तो आप अल्लाह को दे रहे हैं दूसरे इंसान को आप वैसे ही दे रहे हैं जरूरी नहीं कि दूसरे इंसान को कर्ज ही दे आप के देने के बाद एहसान न जताया जाए और लेने वाले को किसी किस्म की भी वर्बल या फिजिकल का शिकार ना किया जाए उसको अजियत ना दी जाए बाद में सहाबा में हमें बहुत सी एग्जाम्पल्स कर्ज हसना की मिलती हैं मसलन मसल रसोलम ने मस्जिद नबी की तोसीक़ के लिए जगह खरीद कर वक्फ करने वाले को मख्त की जमानत दी तो उस्मान रदानों ने जगह खरीद कर वक्फ कर दी थी आप दुनिया में किसी को भी जो कुछ देते हैं चाहे दीन की सरबुलंदी के लिए चाहे मसाजिद की तमीर में चाहे फुकरा और मसाखी की मदद में तो अल्लाह ताला उसको अपने जिम्मे कर्ज करार देते हैं और अल्लाह उस कर्ज की फिर अदायगी करते हैं बढ़ा चढ़ा कर कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे फिर अल्लाह वो माल उसके लिए कई कई गुना बढ़ा दे और अल्लाह ही तंगी करता है और फराखी करता है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने मूसा मूसल के बाद बनी इसराइल की एक जमात नहीं देखी जब उन्होंने अपने नबी से कहा आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें उसने कहा मुमकिन है कि अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो तुम जिहाद ना करो उन्होंने कहा आखिर हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह की राह में न लड़ें जबकि हमें अपने घरों और अपने बेटों से निकाल दिया गया है फिर जब उन पर लड़ना फर्ज कर दिया गया तो उनमें से थोड़े से लोगों के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है और उनके नबी ने उनसे कहा बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालुद को बादशाह मुकर किया है उन्होंने कहा हम पर उसकी बादशाही कैसे हो सकती है जबकि हम बादशाही के इससे ज्यादा हकदार हैं और उसे माल की वसत नहीं मिली अमूमन हम यही समझते हैं कि इकतदार या बादशाहत उसके पास होनी चाहिए जिसके पास माल ज्यादा है तो नबी ने कहा बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया है और उसे इल्म और जिस्म दोनों में ज्यादा कुशादगी दी है अल्लाह के नजदीक इकतदार वाला कैसा होना चाहिए साहिब इल्म और जिस्मानी लिहाज से मजबूत सेहतमंद ताकतवर और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क अता करता है और अल्लाह बड़ा वसत वाला खूब जानने वाला है और उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक उसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन और वो बकिया चीजें होंगी जिन्हें आले मूसा और आले हारून छोड़ गए थे उसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक अजीम निशानी है अगर तुम मोमिन हो फिर जब तालूत लेकर निकला तो उसने कहा बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए से आजमाता है बस जिसने उससे सैर होकर पानी पिया तो मुझसे नहीं और जिसने इसका पानी ना चखा तो यकीनन वो मेरा है यानी अगर सैर होके पानी पी लिया तो चाकू चौबंद नहीं रहेगी फौज और यानी अपने आप को थोड़ा अः चाकू चौबंद रखने के लिए ये जो रोजा है ये भी चाकू चौबंद रखने के लिए ही अल्लाह ताला हमसे करवाते हैं तो अपना सेल्फ कंट्रोल भूख के ऊपर प्यास के ऊपर कंट्रोल जबकि सारा कुछ अपने सामने भी है तो उन्होंने कहा कि अब ज्यादा नहीं पानी पीना ताकि आगे हम आराम से बढ़ सकें फुर्ती के साथ बढ़ सकें और जिसने इसका पानी ना चखा तो यकीनन वो मेरा है हाँ कोई अपने हाथ से एक आध चुल्लू भर ले तो हर्ज नहीं फिर उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब ने इस नहर का पानी पी लिया यानी कम ही होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल एग्ज कर पाते हैं फिर जब तालूत ने वो नहर पार कर ली और उन लोगों ने भी जो उसके साथ ही मान लाए थे तो उन्होंने आपस में कहा आज हम में जालूत और उसकी फौजों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं वो लोग जो इस बात का यकीन रखते थे कि बेशक वो अल्लाह से मिलने वाले हैं उन्होंने कहा कई बार छोटी सी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आई है और अल्लाह सबर करने वालों के साथ है सबर जो है वो बहादुर बना देता है ताकतवर बना देता है और एबिलिटीज को कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है क्योंकि अल्लाह ऐसे सबर करने वालों की माइत में होता है और जब वो जालूद और उसकी फौजों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने कहा और इस काफिर कौम के में हमारी मदद फरमा बस मोमिनों ने अल्लाह के हुक्म से काफिरों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूद को कत्ल किया एक गुलेल से इन्होंने कत्ल किया था गुलेल से उन्होंने पत्थर मारा था और वो पूरे आर्मर में था जालूद सर से के पांव तक लोहे के आर्मर में था और आंखें जो थी ना उनको दाऊद अलैहिस्सलाम ने निशाना लगाया और आंख तो जाहिर है फिर वो होती है ना एक्सपोज्ड तो वो सीधी जो गुलेल का पत्थर था वहां लगा के और अल्लाह ताला ने उसकी मौत वाक कर दी और अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और हमत अता की और जो चाहा उसे सिखाया और अगर अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से हटाता न रहता तो यकीन सारी जमीन का निज़ाम बिगड़ जाता लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फजल करने वाला है ये अल्लाह की आयतें हैं हम हक के साथ आप पर इनकी तिलावत करते हैं और बेशक आप रसूलों में से हैं बद अलाबाद ये सब रसूल हैं हमने इनमें से बास को बास पर फजीलत दी इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया यानी मुसीम और इनमें से बास के दर्जे बुलंद किए और हमने ईसा इबन मरियम को वाज निशानियाँ अता और रूहुल खुद यानी जब्राइल के साथ उसकी मदद की और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के बाद आने वाले लोग बाहम न लड़ते जबकि उनके पास वाज निशानियां आ चुकी थी लेकिन उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया चुनाचे उनमें से कुछ वो हैं जो ईमान लाए और कुछ वो हैं जिन्होंने कुफर किया और अगर अल्लाह चाहता तो बाहम न लड़ते लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है ए लोगो जो ईमान लाए हो हमने तुम्हें जो कुछ दिया उसमें से खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती या सिफारिश ही काम आएगी और कुफर करने वाले ही जालिम हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफसल सदका कौन सा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त सदका करो कि जब तुम सही हुन, शही हुन तुम बिल्कुल सेहतमंद हो तंदुरुस्त हो और तुम्हारे अंदर एक तमा भी है कि तुम अपने माल को इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर लो तो उस वक्त का किया हुआ सदका सबसे अफसल है और ये नहीं कि जब इंसान की जान नजा पे पहुंच जाए करीबालमर्ग हो जाए और फिर इंसान कहे कि फलां के लिए इतना और फलां के लिए इतना तो नबी वसल्लम ने फरमाया कि वो तो फलां का हो चुका यानी तुम्हारा सांस का रिश्ता टूटने की देर है कि वो तो फलां का हो जाना है तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंसान को अपना आखिरत के लिए हिस्सा जरूर निकाल के ले जाना चाहिए फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी अगर किसी के पास कुछ ना हो तो आपने फरमाया कि फिर अपने हाथ से कुछ कमा कर खुद को भी नफा पहुंचाए और सदका भी करे लोगों ने कहा कि अगर इसकी भी ताकत ना हो फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियादी की मदद करे

वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल हम सब को जबानी याद है अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी वो आयत जिसमें अल्लाह की कुर्सी का जिक्र है और ये कुरान की आयत की सरदार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब रदिलानो से पूछा कि कुरान की अफसल तरीन आयत कौन सी है तो अबई बिन काब ने अर्ज की कि कुर्सी तो आप वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया मुंजर तुम्हें तुम्हारा मुबारक हो यानी जिसको ये पता चल गया कि ये है सबसे अफसल आयत और इस आयत के अंदर है क्या अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह सिफात के जरिए से अल्लाह त पहचान इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है आप कोई दुआ नहीं मांग रहे आप कोई तस्बी नहीं कर रहे आप कुछ नहीं कर रहे आप सिर्फ अल्लाह त और उसकी आला तरीन सिफात के जरिए से उसकी पहचान कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है कि इंसान को अल्लाह ताला की सिफात के जरिए से और नामों के जरिए से अल्लाह ताला की पहचान हो जाए इस आयत के कुछ फजाइल भी हैं मसलन रात को अगर आप इसको सोने से पहले पढ़ेंगे तो शैतान से आप हिफाजत में रहेंगे अल्लाह तराबर हिफाजत करते रहेंगे और इंसान को प्रोटेक्शन में रखेंगे वो अल्लाह है उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं जिंदा है सबको संभाले हुए है अलहई है अलयूम है खुद भी जिंदा है उसको मौत नहीं आनी जिन्हों और इंसानों को और मखलूकत को मौत आनी है और कायम है खुद भी जिंदा है जिंदा रखे हुए है लोगों को जिंदगी भी वही देता है और कायम है और उसी ने पूरी इस कायनात को कायम करके रखा हुआ है वरना तो ये टल जाए या आसमान गिर जाए हमारे ऊपर ये प्लेनेट अर्थ ही अपनी सारी जो स्टेबिलिटी है जो स्पेस के अंदर जिस तरह ये मोलक है और जिस तरह ये घूम रहा है कितनी मूवमेंट है इसकी उसके बावजूद हमारे लिए जाय करार है तो इसको किसने कायम करके रखा है अल्लाह तआला ने उसे ऊँग आती है ना नींद स्लीप एक इम्परफेक्शन है ना आपको नींद आती है तो आप इर्द गिर्द से गफिल हो जाते हैं आपको याद नहीं रहता आप कितनी कितनी इम्पोर्टेंट चीजें जो है आप नींद की वजह से आप मिस कर जाते हैं तो अल्लाह ताला के अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है उसे ना ऊंग आती है ना नींद जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे खुद से कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा सिफारिश भी वही करेगा और उसके लिए करेगा जिसको अल्लाह इजाजत देगा और जिसके लिए अल्लाह इजाजत देगा वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है क्योंकि सिफारिश वही कर सकता है जिसको पता हो कि ये बंदा सिफारिश का अहल है जितना अल्लाह ताला अपने बंदे को जानता है उतना तो कोई इंसान दूसरे इंसान को जान ही नहीं सकता हम एक दूसरे को उतना ही जान सकते हैं जितना हम अपेरेंट एक दूसरे को मिलते हैं हमारा एक कई दफा आपने देखा होगा ये कि हमारा एक ओपिनियन होता है एक इंसान के बारे में और किसी दूसरे का उसके बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन होता है क्योंकि मैंने उस बंदे को एक तरह से देखा एक तरह से मामला किया दूसरे का मामला बिल्कुल फर्क है अब होल पूरा एज अ होल उस इंसान को जानना अंदर तक वो सिर्फ अल्लाह त सकते हैं इसीलिए सिफारिश का हक भी सिर्फ अल्लाह कि वो किसको दें और किसके लिए दें और वो उसके इल्म में से किसी चीज को अपने अहाते में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के जो वो चाहे तो ये जितनी भी साइंस तरक्की कर जाए जितना भी कुछ आप को कोई कुछ बता दे किसी के इल्म से आप कितने भी इम्प्रेस हो जाए उसको उतना ही पता है जितना अल्लाह ताला उसको बताना चाहे जहां अल्लाह ताला स्टॉप लगा दें कि नहीं अभी तुम्हें इस बात का दरवाजा नहीं खोलना ये इल्म अभी तुम्हें नहीं देना तो वो आ ही नहीं सकता उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्सी के मुकाबले में सात आसमानों की हैसियत है, सिर्फ इतनी सी है, जितनी किसी खाली जमीन में पड़ी हुई अंगूठी की सोचे जरा और उससे इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं और वो बुलंद तर नहायत अजमत वाला है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं लाकरा हफुद्दीन यानी किसी को जबरदस्ती पकड़ के डंडे के जोर पे मुसलमान नहीं किया जाएगा ये वाली जबरदस्ती दीन में नहीं है इस आयत को बाजा हम मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं ये कहकर के नमाज मैंने कोई नहीं पढ़नी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैंने नहीं पढ़नी जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो फिर उसके अहकाम आप पे लागू होते हैं ला इक्रफिद्दीन यानी इस आयत का ताल्लुक किसी को जबरदस्ती मुसलमान करने से है ठीक है हिदायत गुमराही से वाजे हो चुकी है फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे तागूत कहते हैं हर सरकश कुछ जो आपको दीन से रोके आपको अच्छे काम से रोके आपको अल्लाह ताला की इतात से रोके और नाफरमानी की तरफ लेकर जाए वो आपका अपना नफ्स भी हो सकता है आपका कोई अजीज वकारीब में से भी हो सकता है आपका मुआशरा भी हो सकता है आपके आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं कुछ भी हो सकता है वो फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो यकीन उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है अल्लाह अल्ला उन लोगों का दोस्त है अल्लाह अल है अल्लाह का नाम है अलवली और बड़ा ही खूबसूरत नाम है कि अल्लाह तस्त हैं किन के है। हर ईमान लाने वाले के वो उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्ताहूत हैं यानी दोस्तियां फर्क हैं इसीलिए पहले भी बात हुई ना कि अपनी दोस्तियों पे नजर रखें कि आपके दोस्त आपके ईमान को ताजा करते हैं या आपको रिवर्स गियर लगाते हैं आप किस कंपनी में हैं और वो तागूत उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं वही लोग दोखी हैं <laughs> वही लोग दोखी हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में इसलिए झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाह ही दे रखी थी ये नमरूद था इराक का बादशाह जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है अपनी ताकत के नशे में उसने क्या कहा नमरूद ने कि मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं और कहते हैं कि एक कैदी जिसको आजाद करना था उसे मरवा दिया जिसके मारने का हुक्म था उसका मारने का हुक्म खत्म करके उसे छोड़ दिया और उसने कहा देखो मेरे पास कितनी अथॉरिटी है मैं जब चाहता हूँ जो चाहता हूं करता हूँ तो इब्राहिम एक और दलील लेकर आए इब्राहिम आसलाम ने कहा बेशक अल्लाह तो सूरज को मशरक से निकालता है तू जरा मगरब से निकाल कर देखा चुनाचे वो हका हक बक्का रह गया जिसने कुफिर किया था और अल्लाह उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो ालिम है या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती से गुजरा और वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी उसने कहा अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा उसकी मौत के बाद ये फलस्तीन की ही बस्ती थी जिस पर आज भी तबाही के बादल स्या मंडला रहे हैं और जहाँ पे आज भी की ऐसी दास्तानें रकम की जा रही हैं कि हम कमजोर दिल के लोग तो कहते हैं कि शायद हमारे लिए अच्छा है कि हमें पता ही ना चले लेकिन पता रखना चाहिए अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए और अपनी उन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं और उनके पास वो नहीं है बहरहाल हाल इस जगह पर इस खित्ते पर तबाही वक्तन फवक्तन आती रही है ये जो खित्ता है ना मिडल ईस्ट का सीरिया है फलस्तीन है ये जो इलाके हैं ये बहुत बाबरकत इलाके हैं इनको अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बाबरकत सरजमीन करार दिया है और बाबरकत होने के साथ साथ इसी सरजमीन पर आजमाइशें भी बहुत आती रही और वही उसी तरह की ये एक एक आजमाइश वक्त पे आई है और कोई ना कोई बादशाह कभी बेबीलोनिया का कभी कोई रोमन जनरल इनके ऊपर अटैक करता और इनको तय ववाला कर देता तो ये गालिबाज़ैराम थे जो यहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि किस तरह बस्ती जो है बिल्कुल तबाककार हुई पड़ी है तो उनको इतनी हैरत हुई कि क्या इसको भी दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा इसकी मौत के बाद तो अल्लाह ताला ने प्रूव करने के लिए क्या किया तो अल्लाह ने उसे एक सौ साल के लिए मौत दे दी फिर उसे जिंदा किया अल्लाह ने पूछा तू कितनी देर यहां रहा है उसने कहा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा अल्लाह ने फरमाया नहीं बल्कि तू मौत की हालत में सौ साल रहा अलबत् तू तो अपने खाने और पीने के सामान की तरफ देख वो बिल्कुल सड़ा भूसा नहीं फिर देख अपने गधे के ढांचे को और ये इसलिए हुआ कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं और तू गधे की हड्डियों को देख कि हम कैसे उन्हें उभार कर जोड़ते फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं फिर जब उसके सामने ये सब वाज हो गया तो उसने कहा मैं जानता हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है सौ साल गुजरे बंदा भी जिंदा हो गया खाना वैसे का वैसा फ्रेश है गदा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है उसकी सारी गोश्त खत्म हो चुका है उसकी हड्डियां मौजूद हैं और यही एक दरअसल इस बात की ये गवाही है कि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है युमा यशा जब चाहे जिसे चाहे जिंदा करे जिसे चाहे मौत दे जिसे चाहे मौत के बाद फिर दोबारा जिंदा करे और जब इब्राहिम ने कहा कि ए मेरे रब मुझे दिखा तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा अल्लाह ने कहा क्या तू इस पर ईमान नहीं लाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं लेकिन मैं तो दिल का इत्मीनान चाहता हूँ अल्लाह ने फरमाया फिर तू चार परिंदे लेकर उन्हें अपने साथ मानूस कर फिर उन्हें जिबा करके उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे फिर उनको बुला वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे और जान ले कि बेशक अल्लाह गालिब खूबत वाला है मसलीन फी का मसली हब्बा अंबतत फी हब्बा। वा से सात बालियाँ निकली और हर बाली में सौ दाने हों और अल्लाह जिसके लिए चाहे अजर बढ़ा देता है यानी कम अज कम तो हो गया ना यहाँ पे सेवन हंड्रेड टाइम्स और इसके अलावा अल्लाह चाहे और बढ़ा दे ये है इंफाक फी सभी लिल्ला का अजर खास तौर पर जब अल्लाह तला के दीन की सरबुलंदी के लिए माल खर्च किया जाए दीगर जो नेकियां हैं उनका अल्लाह तला का फार्मूला है कि कम अज कम एक नेकी का दस गुना अजर है हसनतु बिअशरी अमसालिहा और अल्लाह वसत वाला खूब जानने वाला है जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद एहसान नहीं जताते और ना दुख देते हैं ये एटिकेट है खर्च करने का अगर ये ऑब्जर्व ना किया गया तो जो आप खर्च करेंगे वो जाया हो जाएगा उसका अजर नहीं मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ और दुनिया में भी जो इन्फाक करने का या लोगों पर खर्च करने का जो एक फायदा बनता है कि लोग आपस में एक भाईचारा जो लोगों का है वो बेहतर होता है वो स्ट्रेंथन होता है तो भाईचारे के बजाय हमें देते हैं और साथ ये हमें करते हैं तो एहसान नहीं जताना दुख नहीं देना चाहे आपको बाद में कहीं लगे कि फला वक्त मैंने इसके साथ कितना अच्छा किया और बाज़ात होता है आपकी फेवर जो है वो कहीं की कहीं रह जाती है और दूसरा वाकई थैंकलेस हो रहा होता है लेकिन ऐसे में अब आप अपने नफ्स को फौरी तौर पर या सेटिस्फाई करेंगे और उसको जताएंगे या उससे कोई बदलाव उठाएंगे और या आप आखिरत की जो अजर है उसकी खातिर उसकी थैंकलेसनेस को इग्नोर करेंगे अल्लाह ताला थैंकलेसनेस को इग्नोर करने को कह रहे हैं अल्लाह सुबहान तआला एहसान ना जताने को कह रहे हैं और ईजा ना देने को कह रहे हैं किसी को कुछ दे लेना और फिर उसके बाद उससे एक्सपेक्ट करना कि हमारे लिए इतना इतना कुछ करे या किसी को कुछ दे लेना और वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरे तो उसको फिर वर्बली इतना अब्यूज करना एक गाली गलोच भी दे लेना और उसको जताते रहना कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया तो इससे आप अपनी नेकी बर्बाद कर रहे हैं फायदा कुछ नहीं होने वाला बल्कि अगला उल्टा और ज्यादा डिफाइंड हो जाएगा और आपका अजर भी जाएगा तो जो एहसान नहीं जताते और दुख नहीं देते उनके लिए उनके रब के पास अजर है ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे अच्छी बात कहना और माफ करना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद दुख दिया जाए आप नहीं दे सकते आप ना दें आप बड़े पोलाइट तरीके से माजरत कर लें आप कहें कि इस वक्त मेरे पास नहीं है मैं नहीं दे सकूंगी आपको आप मेरी माजरत कबूल करें पोलाइटली माजरत कर लें ये बेहतर होगा बजाय इसके कि आप दें और उसकी तरफ उठा के फेंके और साथ उसको सौ बातें सुनाएं और फिर आप ये भी बना दें कि मैंने दिया है इससे ना देना बेहतर है और अल्लाह बेपरवाह निहायत बुरदबार है वो तो आपको फौरी तौर पर नहीं पकड़ता आप क्यों इंसानों को फौरी तौर पर पकड़ने के अः हो जाते हैं हम इंसान फौरी तौर पर चाहते हैं इसने ये किया मैं वापसी इसको ये कहूं इसने ये किया मैं वापसी इसके साथ ये करूं और अल्लाह ताला तो बड़ा हिल्प वाला है कितनी दफा जिंदगी में रोजाना हर लम्हे वो हमें इग्नोर कर रहा है हमारी शॉर्ट को इग्नोर कर रहा है उसको जल्दी नहीं पड़ती तो हमें क्यों जल्दी पड़ जाती है लोगों से बदला उठाने में और अल्लाह बेपरवाह है अल्लाह अल्लाह दूसरे को कहीं और से दे देगा ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अब यहाँ पर अगली आयत में एहसान जताने और ईजा पहुंचाने से आगे एक और तीसरा एटिकेट है जो सिखाया जा रहा है कि जो नहीं करना जिससे कि सदका जाया हो जाएगा और वो क्या है अपने सदका को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह जाया ना करो जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है रियाकारी करता है लोगों से अप्रिसियेशन चाहता है तस्वीरें खिंचवाता है टीवी पे लगवाता है फेसबुक पे लगाता है और वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता तो उसकी मिसाल चिकने पत्थर किसी है जिस पर मिट्टी पड़ी हो फिर उस पर जोर की बारिश हो तो सारी मिट्टी बह जाए और साफ चटान रह जाए ऐसे इंसान की रियाकार की नेकी क़यामत के दिन ऐसे गर्द की तरह उड़ चुकी होगी कहीं वो होगी नहीं ना उसका कोई वजन होगा वो यानी रियाकार जो नेकी करते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता वह मसलिन अमवाला और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की रजा जोई और पूरे दिल जमीत से अपने माल खर्च करते हैं उस बाग की सी है जो किसी ऊंची सतह पर हो उस पर जोर की बारिश हो तो वो दुगना फल लाए फिर अगर उस पर जोर की बारिश ना भी हो तो फुहार ही काफी है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है यानी वो इतनी अबंडेंस लाती है जो सदका इंसान अल्लाह की रजा चाहने के लिए करता है और पूरे नफ्स के सबात के साथ करता है कुछ देते हुए साथ ही जान नहीं निकल रही कि हाय ये मैं दे रही हूँ अपना लिबास ये मैं दे रही हूँ अपने पैसे और वो याद ही आते रहे कि वो फलां जगह ना दिए होते तो आज यहाँ काम आ जाते तस्वीर में अपने नफ्स के सबात के साथ पूरी कन्विक्शन के साथ मुड़ के याद ना आए वो चीज जो आपने अल्लाह के रास्ते में दी तो वो अबंडेंस लाते हैं दुनिया में भी इंसान उसके सम्राट देखता है और आखिरत में तो उसके सम्राट ही सम्राट है। हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो उसके नीचे नहरें बहती हों उस बाग में उसके लिए हर किस्म के फल हों और उसे बुढ़ापा आ जाए जबकि उसकी औलाद कमजोर हो फिर अचानक उस बाग पर ऐसा बगुला आ पड़े जिसमें आग हो और वो उसे जला के रख दे एक इंसान बूढ़ा हो चुका है लेकिन औलाद अभी उसकी छोटी है कमसिन है और उसका बाप भी एकदम कोई आसमानी आफत आई है और वो जल के राख हो गया है चाहे बाप है चाहे उसका कोई भी उसका सामान्य जिंदगी है जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो गया है और खुद वो करीबुल करीबलमर्ग है अब वो दोबारा अपने सारी चीजें नहीं इकट्ठी कर सकता वो दोबारा उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सारा अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करे और औलाद उसकी कम सिंध है तो क्या हम चाहेंगे कि हम में से किसी के साथ खुदा नखास्ता ऐसा हो यह मामला उस इंसान का है कि जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते करते कहीं ना कहीं एहसान जता बैठता है दुख दे बैठता है रियाकारी कर बैठता है और जब अल्लाह के पास पहुंचता है तो कुछ भी नहीं है और उस वक्त अब दोबारा से मेहनत करने के कोई चांसेस नहीं है जो कमाना था वो तो यहां से दुनिया से लेके कमा के लेके जाना था खाल अल्लाह के लिए इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौरव फिकर करो ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम उन पाकिदा चीजों में से खर्च करो जो तुम कमाते हो और उनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली है और मत इरादा करो अल्लाह की राह में रद्दी और खराब चीज खर्च करने का यानी ये कि जो अब एक तो ये चीज है ना कि आप अपने सीजन के नए कपड़े बनाती हैं तो आप पिछले जो है वो कहीं दे देती हैं ठीक है किसी सफेद पोश को दे देती हैं किसी जरूरतमंद को दे देती हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन वो उन्हें वेरेबल चाहिए वो ऐसे नहीं कि वो फट चुके हैं वो ऐसे नहीं कि वो पहनने के लायक ही नहीं या एक दो धुलाइयों के बाद तो उनका वैसे ही अशर नशर हो जाना है या ये नहीं कि आप थ्री पीस सूट है तो आप दुपट्टा किसी एक को दे दें और शलवार किसी एक को दे दें और कमीज किसी एक को दे दें और कहें तीन लोगों को दे दिया मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीजें होती देखी हैं तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक और एटिकेट अब ये चौथा एटिकेट है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का कि अच्छी चीज देनी है रद्दी चीज नहीं देनी क्योंकि आप अल्लाह को दे रहे हैं आप उस इंसान को नहीं दे रहे हैं उसके काम आने वाली चीज उसको दें ऐसी चीज ना उसको दें कि जो उसके काम ही ना आए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रद्दी और खराब चीज देने का इरादा ना करो अल्लाह के रास्ते में जबकि तुम खुद तो वो चीज़ लेना भी पसंद नहीं करते ये मैार होना चाहिए कि जो मुझे अपने लिए नहीं पसंद अपने भाई के लिए कैसे पसंद कर सकती हूँ इल्ला यह कि उसकी बाबत तुम चश्म पोशी कर जाओ और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह काबिल तारीफ है शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता है एक वजह जो हम इन फी सभी नहीं करते या पीछे रहते हैं बकील हो जाते हैं वो ये है कि ये माल अगर मैंने इधर दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा इंसान को अपनी बजटिंग करनी चाहिए ना उसको इसराफ करना चाहिए ना उसको बकील होना चाहिए इन दोनों इंतहाओं के दरम्यान उसका रास्ता होना चाहिए और ये जो दरमियानी रास्ता है इसी रास्ते के ऊपर है जकवात भी और सदक़ भी शैतान आके कहेगा कि तुम तंगदस्त हो जाओगे और बेहयाई का हुक्म देता है बेहयाई यहाँ पर यह है कि इंसान लोगों की जरूरत देखे और फिर भी अपना जोड़ जोड़ के रखे और किसी को कुछ ना दे और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है और अल्लाह वसत वाला खूब जानने वाला है अल्लाह जिसे चाहता है हमत देता है और जिस शख्स को हमत दी गई तो उससे बहुत भलाई अता की गई और इन बातों से अक्लमंदी नसीहत हासिल करते हैं हिकमत यानी दानाई। सही वक्त पर सही बात कहने का शौर कब बात करने का फायदा है कब बात ना करने का फायदा है कब चुप रहने का फायदा है कहाँ किस तरह बिहेव करने का फायदा है तो ये सारी हिकमत से आती हैं चीजें हिकमत नॉलेज से नहीं आता कि आप ढेर सारा इकट्ठा कर लें जो है ये खैर कसीर है और ये अल्लाह ताला देते हैं अपने बंदों को इसके बारे में बहुत से अकवाल मिलते हैं मसलन रासुल का जो एसेंस है वो क्या है कि अल्लाह से डरे जो जितना अल्लाह से डरेगा उतना ही वो हकीम हो जाएगा उतना ही वो वाइज हो जाएगा दाना हो जाएगा उतने ही उसके फैसले दुरुस्त होंगे उतनी ही उसकी परसेप्शन दूसरे बातों और चीजों के बारे में दुरुस्त होगी और एक दुआ भी सिखाई जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है अल्लाह आतनी खैरन कसरा के अल्लाह मुझे हकमत फरमा वो हकमत जो जिसको भी दी गई तो उसको खैर कसीर दे दी गई रसूलुल्लाह <ुण>। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो इंसानों पर रश करना जायज है एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो उसे राहे हक में खर्च करता है दूसरा वो जिसे अल्लाह ने हिकमत दी जिससे वो फैसले करता है और लोगों को उसकी तालीम देता है और इन बातों से अक्लमंद ही नसीहत हासिल करते हैं और तुम किसी किस्म का खर्च करो या कोई भी नजर मानो तो बेशक अल्लाह उसे जानता है और ालिमों का कोई मददगार नहीं अगर तुम जाहिर करके सदकात दो तो ये अच्छी बात है और अगर तुम उसे छुपा कर फकीरों को दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है यानी छुपा के सदका करना और इन जनरल भी छुपी नेकियां करना इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है अल्लाह ज्यादा राजी होते हैं इंसान का ईमान ज्यादा इंडोर्स होता है और फिर ये कि इंसान की अपनी शख्सियत पर भी उसके असरा मुरतब होते हैं छुपी नेकियां करने वाले के वो अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुना दूर कर देगा और तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखता है आपको अपने गुनाह दूर करवाने हैं अल्लाह से तो छुपा सदका करें किसी को बताए बगैर यहाँ तक कि दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ को भी ना पता चले कि क्या दिया कब दिया कितना दिया किससे दिया अच्छा बाजूकात शैतान यहां से भी अटैक करता है कि मैं लोगों के दरमियान में ना दूंग ये तो रियाकारी हो जाएगी तो अगर आपकी नीयत में रेकारी नहीं है तो आपके अमल में रेकारी नहीं है बाजात आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं होती कि आप लोगों के दरमियान में दें तो उस वक्त अपनी नीयत को खालिश रखते हुए दे दें देने से रुकना नहीं चाहिए बाजौत उससे यह भी होता है कि दूसरे इंस्पायर हो जाते हैं नबी वसल्लम लोगों को हिदायत देना आपकी जिम्मेदारी नहीं लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और तुम अपने माल में से जो खर्च करो वो तुम्हारे अपने फायदे के लिए है और तुम जो कुछ खर्च करते हो वो अल्लाह की रजा हासिल करने ही के लिए करते हो और तुम अपने माल से जो खर्च करोगे उसका तुम्हें पूरा पूरा सिला दिया जाएगा और तुम पर नहीं किया जाएगा सदकात तो उन जरूरतमंदों के लिए हैं जो अल्लाह के कामों में ऐसे मशगूल हों कि अपने रोजगार के लिए जमीन में दौड़ धूप ना कर सकते हों ना वाकिफ शख्स उनके सवाल ना करने की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करे तुम उन्हें उनके चेहरों से पहचान लोगे वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते और तुम अपने माल में से जो कुछ खर्च करते हो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रात और दिन में छुपा कर और जाहिर उनके रब के हां उनके लिए अजर है ना उन्हें कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे आपने अपनी एंग्जाइटीज दूर करनी है अपने खौफ अपने गम अपने माजी के गम अपने फ्यूचर के खौफ दूर करने हैं सदके को अपना मामूल बना लें और रोजाना का सदका जो है चाहे वो थोड़ा सा है एक ग्लास दूध का है चाहे वो और आपको पता है दूध जो है वो बेहतरीन सदकात में शामिल होता है कि आप किसी को दूध पिला दें क्योंकि दूध वो मशरूब है जो खाने और पीने दोनों को किफायत करता है रसोल वसलम ने फरमाया सात इंसान ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपना साया अता फरमाएगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा नंबर एक आदिल हुक्मरान नंबर दो वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ नंबर तीन वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहा। नंबर चार वो दो मर्द यानी वो दो लोग जो आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो इसी बुनियाद पर इकट्ठे हुए और इसी पर जुदा हुए नंबर पांच ऐसा इंसान जिसको किसी जाहो जमाल वाली औरत ने बुराई की दावत दी तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं नंबर छह ऐसा इंसान जिसने ऐसे पोशीदा अंदाज में सदका दिया कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हुआ कि उसके दाएं हाथ ने क्या खैरात की और नंबर सात ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए एक और हदीस में आता है कि सदका करने वालों की कब्रों से हरारत बुझाता है और मोमिन रोजे क्यामत अपने सदके के सय में होगा आयशा रदी बयान करती हैं कि उन्होंने एक मरतबा एक बकरी जिबा की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आके पूछा कि कितना गोश्त बाकी बचा है यानी सदका किया उन्होंने तो आयशा अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा कि एक शाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब बच गया सिवाय उसे एक शाने के यानी जो हमने आपने सदका किया वो आपकी सेविंग है और वो ऐसे अल्लाह के बैंक में है ऐसी बैंक तो खैर लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए वो ऐसे अल्लाह कर रखी है कि जिसके अंदर नुकसान है ही नहीं तजारतूर है वो ऐसी तिजारत जिसमें कोई घाटा खसारा नुकसान है ही नहीं फिर एक और हदीस है आप वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने अल्लाह की राह में जोड़ा यानी दो चीजें खर्च की वो जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा अल्लाह के बंदे ये दरवाजा अच्छा है अब इसमें जोड़ा खर्च करने की जो बात है तो इसके दो मानी किए गए हैं एक मानी ये है कि जब भी दें तो पेड़ दें यानी ज्यादा हो जाएगा ना सब्सटैशियल आप गाय दे रहे हैं दो दे दें मेल फीमेल दे दें दे तो आप देखें दूसरे को कितना फायदा होगा आप कोई भी चीज दे रहे हैं दिरहम दे रहे हैं दीनार दे रहे हैं रुपया पैसा दे रहे हैं तो जरा सब्सटैशियल दे दें दे। आपने अगर दस रुपए दे रहे हैं तो आप बीस दे दें दे। आपको जो ख्याल आ रहा है आप किसी को एक जोड़ा देने लगे हैं साथ यहां चलो एक और दे देती हूँ इसकी बेटी के लिए भी दे देती हूँ ठीक है किसी काम वाली को उसके हस्बैंड के लिए भी चलो दे देती हूँ किसी मुलाजिम को उसकी बीवी के लिए भी चलो दे देती हूँ तो दो पैर और इसी तरह से इसका एक और मानी ये किया गया है कि दो से या जोड़े से मुराद ये है कि अबंडेंस लगातार एक कंटिन्यूस आपका एक तरीका होना चाहिए सदका करने का और रोजाना का सदका जो है वो जरूर करें इससे बहुत से मसाइल हल रहते हैं कई बीमारियां खुद ही कोई आपको आता है ये क्या हो रहा है और आप यकीन करें ये मेरा अपना पर्सनल मेरे तजर्बाते हैं कि कई चीजें ऐसी हुई कि किया तो उसी वक्त ठीक हो गई तो बहुत सी चीजें जो है चाहे आप खाना खिलाएं आप हफ्ते में एक दिन बना लें कि इस दिन मैंने जरा फक्रा मसाकिन को कोई चीज घर में कुक कर लें थोड़ी कर लें तीन चार लोगों के लिए कर लें अपने घर में जो खाना पकता है उसको थोड़ा सा पढ़ा लें उसी मैार के खाने को आप एक मामूल बनाए कि वो भी हमने देना है फुकरा, को अपने घरों के मुलाजमीन के अलावा बाहर के जो गरबा हैं उन पर भी नजर हमें रखनी चाहिए फिर इसी तरह से आप प्रैक्टिकली ये भी कर सकते हैं कि आप किसी दूध वाले को कहीं कोई ट्रस्ट वर्दी बहराल होना चाहिए कि वो दूध कहीं दे दिया करे किसी गरीब को दे दिया करे किसी गरीब का दूध लगवा दें किलो लगवा दें आधा किलो लगवा दें जितनी उसकी जरूरत है उसका दूध लगवा दें रोजाना उसके घर में दूध चला जाए और आप उसका मथी बिल पे करते रहे तो ये आपका रोजाना का सदका बेहतरीन एक सदका आपका जो है वो हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने अपने जेब के मुताबिक अपने अपने हालात के मुताबिक कोई ना कोई लाया अमल ऐसा जरूर बनाए ताकि खौफ और गम से हमारी निजात रहे इंशाल्लाह अच्छा अब यहाँ पर आयात है हमने पीछे लगातार पढ़ी सारी खर्च के हवाले से अब आगे अल्लाह ताला जो है वो कंट्रास्ट ऑफ़ कैरेक्टर्स भी बताते हैं एक वो है कि जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खुले और छुपे दिन और रात खर्च कर रहा है दूसरी तरफ वो है कि जो दूसरों का माल भी लोगों का खून चूसता है और जो सूद खाता है रिबा खाता है अब उसका आ गया जिकरून जो लोग सूद खाते हैं रिबा और सूद के मानी है और इजाफा और इसकी एक जो मेन शक्ल है वो ये है कि कुछ मुद्दत के लिए मसलन किसी को एक सौ रुपए दिए और उसको कहा कि जब तुम मुझे वापस करोगे तो एक सौ पच्चीस वापिस करोगे तो ऊपर वाला पच्चीस जो है वो सूद है बाजार लोगों ने कई बिचारों ने कोई पचास हजार या एक लाख अपना कोई किसी जरूरत के लिए कर्जा लिया होता है सूद पर और अब तो पहले तो बैंकों का सूद होता था अब तो लोग सूदी जो है खासतौर तो पर कई खातन जो है और कई मर्द हजरात भी वो ये लेन देन करते हैं कई बाहर बच्चे रहते हैं वो पैसे भेजते हैं वो खतानी का कारोबार ही है कि वो कर्जा देती हैं और सूद पर वापस लेती हैं समझाया जाए तो बाद लोग समझ भी जाते हैं और बाद फिर नहीं भी समझते अपसेट हो जाते हैं और लड़ पड़ते हैं आगे से तो अल्लाह सुबहाना ने जितनी इस चीज़ को नापसंद किया है रिबा को जितना इसके बारे में अल्लाह तला ने एक आ, फैसला दिया है कि यह अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है इतना किसी और अखलाक बुराई को किसी जुर्म को अल्लाह तला ने इस तरह करार नहीं दिया क्योंकि ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब करता है इस्लाम का जो कानून है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ दौलत की गर्दिश उसको अपसेट करता है उसको रोकता है अमीर अमीर तर हो जाता है गरीब गरीब तर होता चला जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग सूद खाते हैं वो कयामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छू कर बदहवास कर दिया हो अच्छा शैतान ने छू कर बदहवास कर दिया बदहवास इंसान इस दुनिया में किसको हम कहते हैं जिसको बात की समझ ही नहीं आ रही इतने बदहवास हो तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रही यही बात होती है ना तो ये बदहवासी क्या है ये है बदहवासी वो कहते हैं कि तिजारत भी सूद ही की तरह है जिस तरह तिजारत है उसी तरह सूद है हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है तिजारत में तो नुकसान का अंदेशा भी होता है तिजारत में नफा और नुकसान डिटर्मिंड नहीं होते हैं फिर जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ जाए और वो सूद खाने से बाज रहे तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है और जो शख्स दोबारा सूदी मामला करे तो ऐसे लोग दो हैं उसमें वो हमेशा रहेंगे अहदीत से हमें पता चलता है कि रसुल्लाम ने फरमाया कि अल्लाह लानत फरमाई है सूद खाने वाले पर और खिलाने वाले पर यहां तक कि एक और हदीस में तो आता है कि लिखने वाले पर और लिखवाने वाले पर गवाह बनने वाले पर हर कोई जो सूदी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है वो सब के सब जो है वो अल्लाह ताला को नापसंद है लोग और लानत जदा है जब तक कि वो उस चीज में से बाहर नहीं आ जाते फिर अल्लाह ताला हमारी एक और गलतफहमी दूर करते हैं अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक को बढ़ाता है हम समझते हैं कि सूदखोरी से हमारा माल बढ़ेगा वो माल बढ़ नहीं रहा होता उसके अंदर ना कोई बरकत होती है एक मुफसर है उन्होंने इसकी इस तरह से एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपका घुटना जो है ना वो सूज के बड़ा हो गया उसमें पस पड़ गई है और वो और वो बीमारी आप कह रहे हैं कि वाह मैं कितना सेहतमंद हो गया हूं मेरा तो जिसम बड़ा हो गया है तो वो तो पस से भरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि आपकी तो तिजोरी तो तो भरी से भरती, से भरती से भरती चली जा रही है वो बढ़ते से बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं पैसे जो आपने सूद में रखे हुए हैं तो आ, असल में वो बढ़ नहीं रहे होते अल्लाह ताला सूद को मिटा रहा होता है और सदकात को बढ़ाता है और ये बरकतें ये सिर्फ अल्लाह दे सकता है और अल्लाह किसी नाशिक्र गुनागार को पसंद नहीं करता बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और, और वह जकवात अदा करते रहे उनके लिए उनके रब के पास अजर है ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगी होंगे ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी है वो छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ और अगर तुम तोबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल ही हैं यानी जो आपका कैपिटल था जो आपने सूद के लिए रख रख दिया था वो आप ले सकते हैं और सूद जो है वो छोड़ देना चाहिए ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए और अगर तुम मकरूज तंगदस्त हो तो आसानी तक उसे मोहलत दो और तुम्हारा सदका करना यानी कर्ज माफ कर देना तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो बहुत से हमारे जो साहब कराम और उनके बाद और आगे की जो नस्लें हैं राइचिस की असलाफ की कर्ज को माफ करना उनकी जिंदगियों में हमें बहुत नजर आता है वसल्लम ने फरमाया एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ और देखा कि दरवाजे पर यह इबारत लिखी हुई है का दस गुना और कर्जे का सवाब अठारह कर्जे का सवाब ज़्यादा हो जाता है इसलिए इसीलिए अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो जितना आपने कर्ज दिया हुआ आपको रोजाना के सदके का सवाब मिल रहा है लाख दिया है तो रोजाना एक लाख रुपए के सदके का स्वाब मिल रहा है अब अगर कोई कहता है कि मैं एक महीने के बाद कर्जा जो है वो वापस कर दूंगा और फिर एक महीने के बाद वो नहीं दे पाता तो अल्लाह ताला वो अगर आप उसको मोहलत दे देते हैं कहते हैं अच्छा ठीक है जब देना हुआ दे देना या इतना वक्त और ले लो तो अल्लाह ताला आपके सदकात का अजर और बढ़ा देता है वो डबल कर देता है तो इसलिए मकरूज को मोहलत देना जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है एक शख्स था कि जो दुनिया में ये किया करता था कि जब उसकी फसल होती तो वो कहता इसको बांट दो और देखो कोई अगर मकरूज है तो उसका कर्ज माफ कर दो लोगों के लोगों को कर्ज देता भी था और उनके कर्ज माफ भी करता था और बाजों को मोहलत भी देता था तो वो जब मर गया तो अल्लाह ताला के सामने पेश हुआ उसके अमाल पेश हुए तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इससे ज्यादा हकदार हूं कि मैं मखलूक पर रहम करूं क्योंकि तुम मखलूक पर रहम करते थे तो लिहाजा आज मैं तुम्हें बख्श देता हूँ इमाम अबू हनीफा रहम्ला के बारे में आता है कि एक मर्तबा किसी बीमार की अयादत करने जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला जो उनका मकरूज था तो उसने जब उनको देखा तो कतराकर दूसरी तरफ चला गया आपने पुकारा कि कहाँ जाते हो उस शख्स ने कहा कि आपके दस हजार दिरहम मुझ पर आते हैं जो मुझसे अभी तक अदा नहीं हो सके इस शर्म से आंख बराबर नहीं होती इमाम साहब उसकी गैरत से बड़े ताजुब में आए और फरमाया जाओ मैंने सब माफ कर दिया इसी तरह बहुत से हमें वाकयात मिलते हैं कर्ज की माफी के और वो इसलिए के जो इंसान अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है वो जानता है कि कर्ज यहाँ तो माफ़ किया आगे मेरी वो सेविंग बढ़ चढ़ के पड़ी हुई है कर्ज की माफी और सूद को छोड़ देने के आयत के बाद कुरान की वो आयत है कि जो नजूल के एतबार से आखिरी आयत है वत उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे फिर हर शख्स ने जो कुछ किया होगा उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा नबी सल ने सूद खोर को या ख्वाब में या मेराज के मौके पर आपको दिखाया गया था कि खून की नहर में एक आदमी है और वो उसके बीचों बीचे और उसमें से निकलना चाहता है जाहिर है और वो जब किनारे पर आता है तो वहां एक आदमी खड़ा है जो उसको वापस धकेल देता है वो फिर उसके बीचों बीच जाता है फिर वो एफर्ट करके कोशिश करके किनारे पर आता है वो किनारे पे खड़ा हुआ आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां वो आता है और उसको धकेल के दोबारा वापस करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा जिब्राइल अलैहि सलाम से कि ये कौन है तो उन्होंने कहा कि ये वो है जो सूद खोर था दुनिया में इंसानों का खून चूसता था तो आज ये खून की नहर में है ए लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम आपस में एक मुकर मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसे लिख लो और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ तहरीर कर दे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है उसे लिखना चाहिए और वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे कर्ज हो और उसे अपने रब अल्लाह से डरना चाहिए और लिखवाते वक्त वो मकरूज उसमें कोई चीज कम ना करे कर्ज का लेन देन बड़ी रकम हो तो लिख लेना चाहिए वर बड़े झगड़े होते हैं बाद में लेकिन अगर वो जिसके जिम्मे कर्ज है नादान या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो तो उसका मुख्तार उसका कोई वली इंसाफ के साथ लिखवाए और तुम अपने मुसलमान मर्दों में से दो गवाह बना लो फिर अगर दो मर्द मैसर ना हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाही दें जिन्हें तुम गवाहों के तौर पर पसंद करो ये इसलिए कि एक औरत अगर भूल जाए तो उनमें से दूसरी उसे ही याद दिला दे और गवाह जब बुलाए जाए तो वो इनकार ना करें और मामला छोटा हो या बड़ा उसे मुकर मुद्दत के साथ लिखवाने में सुस्ती ना करो ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है और गवाही के लिए ज्यादा दुरुस्त तरीका है और इस तरह तुम्हारे शक में पढ़ने का इम्कान भी कम रह जाता है हाँ तुम आपस में नक्त जो तजारती लेन देन करो उसे ना लिखा जाए तो तुम पर कोई हर्ज नहीं और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो और कातिब और गवाह को सताया ना जाए और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी और अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह तुम्हें यह एक काम सिखाता है और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है और अगर तुम सफर में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो कोई चीज गिरवी रहन के तौर पर कब्जे में दे दी जाए और अगर तुम इसे कोई दूसरे पर एतबार करे तो जिस शख्स पर एतबार किया गया हो उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस अदा कर दे और अपने रब अल्लाह से डरे और तुम गवाही ना छुपाओ और जो शख्स गवाही छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनागार है और जो अमल तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है पीछे हमने बकरा के शुरू में पढ़ा था अल्लाह उनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं फ इनमा आसमलबू उसका दिल गुनागार है तो जो कुछ भी हमारा गुनाह सवाब जो कुछ है ना उसका मरकज हमारा दिल है इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था तकवा हा हुना तकवा यहाँ होता है दिल की एक कैफियत है दिल ही है हा। आप कहते हैं मेरा दिल नहीं चाह रहा आप कहते हैं मेरे दिल को उससे नफरत है मेरे दिल को उससे मोहब्बत है मेरा दिल डर रहा है ठीक है तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो कुछ है दिलों के अंदर है दिल हार्ट अल्लाह ताला ने इमोशंस का मरकज बनाया है और नबी वसल्लम ने फरमाया इंसानी जिसम के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है अगर वो सीधा रहे साल रहे तंदुरुस्त रहे तो सारा जिसम तंदुरुस्त रहता है वो करप्ट हो जाए खराब हो जाए तो सारा जिसम खराब हो जाता है अला वही आगा रहो कि वो जिस जो गोश्त का टुकड़ा है वो इंसान का दिल है जिसमानी लिहाज से भी आप देखें दिल बीमार हो जाए तो सारी जिसम बीमार हो जाता है खून ही साफ नहीं कहीं भी पहुंचता और इसी तरह से रूहानी लिहाज से दिल बीमार हो जाए तो हर तरह की बीमारियों में अः वो हो जाता है मुबतला हो जाता है और उस बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी जो दिल की है ना वो है दुनिया की मोहब्बत माल की मोहब्बत उसी की वजह से इंसान सूद भी खाता है और दूसरों के हकूक भी नहीं देता विरासत का माल हड़प कर जाता है फिर आखिरी रुकू है बकरा का इसकी आखिरी दो आयात जो है बकरा की इनके बारे में नबी वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे अर्श के खजाने से दी गई हैं तो लिहाजा ये अल्लाह ताला का खास तोहफा है उम्मत मुसलिमा के लिए जो मिला है नबी अलैहि वसल्लम को महराज के मौके पर मैराज के मौके पर तीन तोहफे दिए थे अल्लाह तला ने उम्मत के लिए नंबर एक के कोई भी बंदा जो शिरक ना करता हो और वो अल्लाह पर ईमान रखता हो तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे शिरक नहीं करना शिरक के साथ दुनिया से नहीं जाना नंबर दो नमाज पांच नमाजें भी तोहफा है ये शैतान ने हमें कैसा वरगलाया हुआ है कि हमें हमारे ऊपर गर हो जाती है भारी हो जाती है ये तो अल्लाह का बड़ा ही जबरदस्त गिफ्ट है उमत मुस्लिमा के लिए रिजुविनेट होने के लिए गुनाह माफ कराने के लिए

फिर जिसे वो चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है यानी अल्लाह हमारे वसवसे भी जानता है और चाहे तो उन गुमान और वसवसों पर भी हमारा हिसाब कर ले जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे उससे पूछ ले कि ये गुमान क्यों पाला दिल में इन वॉल्टारी अगर ख्यालात आए तो उन पर पकड़ नहीं है वो झटक दिए जाएंगे वो वो झटक दिए जाते हैं उन पर हिसाब नहीं होगा लेकिन अगर उस इस, उसको पाला उसको खुराक दी और उसको अपना नजरिया ही बना लिया तो उस पर फिर पकड़ होगी आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके यार्ला ऐसा ऐसा वसवसा वसवत आता है कि दिल करता है अपने आप को जला डालें अपने आप को खत्म कर दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिल का सरी हुई ईमान ये ईमान का बड़ा वाजे निशानी है कि इंसान को वसवसे आए इसलिए कि शैतान ने उसी दिल पर अटैक करना है जहाँ ईमान की दौलत नजर आती है तो अपने शैतान को थकाएं उसे हराएं अपने को दूर करके और बिल आखिर वो थक हार के एक साइड पे बैठ जाएगा उसके अटैक्स कमजोर होते चले जाएंगे आप वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तारीफ है उस हस्ती की और शुक्र है उस हस्ती का कि जिसने शैतान की सारा जो शर है और उसकी चाले हैं उनको वसवसे तक लिमिट कर दिया है शैतान वसवसे से आगे बढ़ के कुछ भी नहीं कर सकता वो उठा के हमें लेके नहीं जा सकता कहीं बस वसवसा डालता है तो उस वसवसे को पालना नहीं है अपने अंदर बस आमन रसूल ही व व कुतुबिही व रसूली لا نفرق بين احد من رسلي وقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا واليك المسير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به لنا انت مولانا على القوم الكافرين उस हिदायत पर ईमान लाए हैं जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल की गई है और सारे मुमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं वो कहते हैं हम उसके रसूलों में से किसी एक में भी फर्क नहीं करते और वो कहते हैं हमने हुक्म सुना और इताद की ए हमारे रब हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता ना कोई उसके ऊपर ऐसी मुश्किल डालता है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो ना कोई ऐसा अल्लाह ताला ने शरीयत में हुक्म दिया है कि जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो और कहीं भी कोई हुक्म बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो शरीयत उसमें आसानी पैदा कर देती है किसी शख्स ने जो नेकी कमाई उसका फल उसी के लिए है और जो उसने बुराई की उसका बबाल भी उसी पर है ए हमारे रब अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें गिरफ्त ना कर ये वो तोहफा है पहले आप अपना ईमान क्लेम करते हैं बताते हैं कि अल्लाह मैं हर चीज उस पर ईमान लाती हूँ लाता हूँ कि जो तूने ओड की है अल्लाह पर फरिश्तों पर रसूलों पर रोज आखिरत पर किताबों पर तकदीर पर फिर उसके बाद अल्लाह ने खुद जो हमें दुआ सिखा दी है ये पिछली उम्मतों में से किसी के लिए ये नहीं था कि अगर हमसे भूल चुक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना कर हम भूल जाए या खता कर जाए तो उस पर पकड़ नहीं है फिर अल्लाह खुद हमें दुआ सिखा रहे हैं ऐ हमारे रब हम पर ऐसा बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था शरीयत में आसानी कर दे आजमाइशों में आसानी कर दे हालात वाक्यात में आसानी कर दे और यकीन शरीयत इस्लामी सबसे आसान है पिछली शरीयतों में मसलन हमने पढ़ा ना कि कत्ल और किसास और दियत और वो सारी चीजें तो तौरात तो में सिर्फ किसास है उसमें बस यही है कि अब तो हो ही नहीं सकता माफी तो हो ही नहीं सकती दियत तो है ही नहीं ऐ हमारे रब जिस बोझ को उठाने की हमें ताकत नहीं वो हमसे ना उठवा और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा तू ही हमारा कारसाज है पस्तु काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा किस किस को आखिरी दुआयात हिप्स हैं और इनका आप जानते हैं कि ये भी आयतल कुर्सी की तरह ही ये भी रात को पढ़ के सुनी चाहिए ठीक है और इनसे भी अल्लाह ताला आपको किफ़ायत करेगा आपके तमाम कामों के लिए उस रात के लिए और जिस किसी ने ये आयात पढ़ी बाज रवायात में ये भी आता है और फिर फजर पढ़ी उठकर वक्त पर तो वैसे है गोया उसने सारी रात क्याम किया सूरा आले इमरान ये भी मदनी दौर की सूरत है और ये जोड़ा है सूरत बकरा का इन दोनों को मिलाकर अजहरा बैन कहा जाता है अजहरा बैन यानी दो चमकती हुई सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो अल बकरा और आले इमरान क्योंकि ये क्यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे कि दो बादल हों या दो साहिबान हों या दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों और वो अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी आपको प्रोटोकॉल अच्छा ही लगता है हर इंसान को और किस तरह का प्रोटोकॉल ये नहीं कि कोई जो हमारे बहुत से जो एग्जेजरेटेड प्रोटोकॉल है मैं उसकी बात नहीं कर रही नवाजबिल्ला यानी कहीं अगर आपको कोई आसानी दे दी जाए अगर बहुत रश है और कोई आपको कहे कि आप इधर आ जाएं आप यहां बैठ जाएं तो आपको अच्छा ही लगेगा ना आप बहुत धूप में खड़ी हैं और कोई आपको कहे कि आप इधर आके बैठ जाएं यहाँ यहाँ पंखे के नीचे आ जाएं तो आपको अच्छा ही लगेगा ना इस तरह अगर आपको कयामत के दिन कोई प्रोटोकॉल चाहिए इस दुनिया में हो सकता है आपकी एज आपका चेहरा मोहरा या आपकी कोई वाकफियत आपको इस तरह की कोई प्रोटोकॉल दिलवा देती हो कयामत के दिन प्रोटोकॉल मिलनी है के कोई साया मिलना है तो इंसान के अपने अमाल से मिलना है पीछे भी हमने पढ़ा के साया करने वाले अर्श के साय के तले रहने वाले जो लोग हैं वो सात की कैटेगरी वो वो थी और भी हैं मसन मकरूज को मोहलत देने वाला फिर इसी तरह से सादिक और अमीन ताजर अमानतदार ताजिर और फिर इसी तरह से अल बकरा और आले इमरान को अपना साथी बना लेने वाला ये उसको साया दे देंगी ये वो जहां बैठेगा उसके ऊपर साय की शक्ल में ये मौजूद होंगी जिस दिन इन सायों के अलावा जो अल्लाह ने देने हैं और कोई साया नहीं होगा कोई पंखा कोई दरख्त कोई एसी कोई पहाड़ कोई टीला कोई चीज नहीं है उस दिन वहां पे। वहां पे साया सिर्फ उस चीज का है जिसका कि अल्लाह दे दें तो लिहाजा अपने लिए कुछ ना कुछ हमें बना के रखना चाहिए लाया अमल जन्नत जाने से पहले मैदान हशर में साय के लिए भी بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ألف لام ميم ألف لام ميم جو ये हैं तो भी इन्हीं से शुरू हुई थी और इनको अलग अलग ही पढ़ा जाता है इनको इकट्ठा करके आप अलम करके नहीं पढ़ेंगे आप इनको अलग अलग हरूफ करके काट के ही पढ़ेंगे और इनका मानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता कि इनका मानी क्या है और कुरान की मतदद सूरते जो हैं वो रूफ मुकत्त से शुरू हुई हैं और बाज लोगों ने ये कहा है कि अगर आप गौर करें तो जहां कहीं भी जो भी सूरत मुखात से शुरू होती है तो उसके बाद जो आयत आ रही है वो कुरान के हवाले से होती है अल्लाह की किताब के बारे में होती है अल्लाह की वही के बारे में होती है तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हरूफ तहजी है ना अरबी के अलफलामीम काफा या इन सौदा यासिन ये सब हरूफ तहजी हैं और इनके बाद कुरान ही की बात होती है जहां कहीं भी कुरान में यह इस तरह से अंदाजे बयान आया है तो इसका मानी यह है कि ये गुरुफ तह इन्हीं से अल्लाह ने यह कुरान भेजा है अगर तुम्हारी बसात है तो तुम इतने अरबी दान हो तुम इतने फसी हो तुम्हें अपनी अः फसाहत पर इतना तुम्हें नाज है तो तुम भी बना के ले आओ फिर इस जैसी किताब ये एक चैलेंज है अल्लाह ताला का एक तरह से वो अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं वो जिंदा है सबको संभालने वाला है उसी ने आप पर हक के साथ किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उसी ने तौरात और इंजील को नाजिल किया इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और उसी ने फुरकान यानी कुरान नाजिल किया बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया उनके लिए शदीद अजाब है और अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला बेशक अल्लाह से जमीन और आसमान में कोई चीज छुपी हुई नहीं वही है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है अल्लाह अल अलमुसविर है अल्लाह का एक सिफाती नाम है अल अलमुसर तो इसमें कोई भी बॉडी शेमिंग जो की जाती है किसी दूसरे की चाहे उसकी हाइट की चाहे उसके कम्पलेक्शन की चाहे उसके चलने के अंदाज की उसके गुफ्तगु के अंदाज की तो ये सब कुछ तो उसको अल्लाह तला ने दिया है तो मजाक फिर दरअसल हम इंसान अपनी जहालत में या अपने नाउजुबिल्ला तकबर में हम अल्लाह का उड़ा रहे होते हैं। तो ये सूरत गर जो है वो अल्लाह तला की जात है उसके सिवा कोई मबूद नहीं वो गालिब खूब वाला है वही है जिसने आप पर किताब नाजिल की यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जब कभी भी किसी का फिजिकल किसी वजह से दिल करे ना मजाक उड़ाने पे या नाउजबिल्ला फिजिकली शैतान ये उकसाए कि अगर वो फिजिकली आपसे इतना खूबसूरत नहीं है या आप जितना ऊंचा लंबा नहीं है गोरा चिट्टा नहीं है तो वो कमतर है ये यही होता है ना रेसिज्म जिससे दुनिया भरी पड़ी है क्यों इस तरह के स्लोगन आज भी इतनी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आते हैं ब्लैक लाइफ मैटर सिर्फ और सिर्फ उनका काला रंग काला कंप्लेक्शन उनको इस काबिल भी नहीं छोड़ता कि आप उनसे बात ही करें या उनको उनको जिंदा रहने का हक ही दे दें जब चाहे उनको जिसको चाहे कत्ल कर दें कोई पूछ पकड़ ही नहीं है तो उस वक्त ये सोच लेना चाहिए कि हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं या हम किसकी बनाई हुई मखलूक को हकीर समझ रहे हैं एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन मसूद तो वो बिल्कुल शॉर्ट से थे शॉर्ट थे और उनकी स्टैचर भी बहुत वीक था और उनकी पिंडलियां बिल्कुल कमजोर थी तो एक दिन वो दरख्त पे चढ़े कोई मिसवाक काटने के लिए तो उनका इजार जो है वो जैसे खुल गया और पिंडलियां नजर आने लग गई तो सहाबा ने वो पिंडलियों की जो बारीकी देखी तो बास की एकदम एक, एक बेसाख्ता हंसी छूट गई हालांकि वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे लेकिन बेसाख्ता हंसी छूट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद इसकी ये पिंडलियां मीजान में बहुत भारी होंगी डिपेंड करता है वो बंदा करता क्या है डिपेंड ये नहीं करता कि बंदे का फिजिकल स्टैचर कैसा है तो इसलिए अल्लाह ताला अल तुमसविर का हमें मजाक उड़ाने की ना उस तो बिल्ला कहीं से भी इजाजत नहीं है हमारी तो आदत है कि हम गाड़ी किसी को क्रॉस भी करें तो उस ड्राइवर को देख के तो हम कहते हैं कि इसके उसके किसी ना किसी फिजिकल एट्रिब्यूट पे कोई ना कोई हम बात कर देते हैं जानबूझ वो ही है जिसने आप पर किताब नाजिल की जिसमें कुछ आयात महकम वाजे हैं जो इस किताब की असल बुनियाद है और कुछ दूसरी मुतशाबहत यानी गैर वाजे हैं फिर जिन लोगों के दिल में टेढ़ है वो उनमें से उन्हीं आयतों के पीछे पड़ते पड़े रहते हैं जो मुतर वाजें हैं उनका मकसद महज फितने और फितवील की तलाश होता है हालांकि अल्लाह के सिवा कोई भी उनकी तावील नहीं जानता मसलन जो ये आयत है ना अल्लाह का अर्श अल्लाह की कुर्सी या यही रूफ मुकत्ता तो इनकी तावील क्योंकि अल्लाह ताला ने नहीं बताई तो हम खुद से उसकी तावील नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो Uh, कोई फितना चाहते हैं कोई टेढ़ निकालना चाहते हैं दीन में तो वो मुताबे हाथ में पड़ते हैं हमें बिल्कुल जो वाजे मुकम आयात हैं उन उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और जो लोग इल्म पुख्ता हैं, वो कहते हैं हमारा इन मुतशाबे हाथ पर ईमान है ये सब हमारे रब ही की तरफ से हैं और नसीहत वक़लमंद तो ही हासिल करते हैं वो दुआ करते हैं अब इल्म में पुख्ता कार लोगों की दुआ क्या होती है

तो हम कभी भी किसी भी गुनाह में मुलिस हो सकते हैं लिहाजा अहले इल्म सबसे ज्यादा ये दुआ करते हैं कि ए हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना हिदायत आ जाने के बाद और अता कर हमें अपने पास से रहमत बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है सैदा उम्मा रती से रसोल्ला सल्लाम के मामला और उनकी दुआ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि सबसे कसरत से जो आप सल्लाम दुआ किया करते थे वो थी या सब इतकल भी सबकल का ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे अल्लाह के रसूल ये दुआ मांग रहे हैं और इन दुआओं में एक बहुत बड़ी जो पैगाम है और हमत है कि आप सल ने उम्मत को सिखाया है कि कभी भी दिल जो है ना ये अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है जैसे चाहता है उनको उलटता पुलटता रहता है ये बड़ी अजीब चीज है ये एक दिन एक किसी से मुतनफिर होता है तो दूसरे दिन बिल्कुल उसके लिए दरवाजे इसके खुले पड़े होते हैं ऐसा होता है ना तो ये अल्लाह ताला का फैसला होता है तो इसलिए दिल की साबित कदमी अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए ऐ हमारे रब यकीनन तू लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता बेशक जिन लोगों ने कुफर किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से बचाने में उनके कुछ भी काम नहीं आएंगी और वही लोग आग का ईंधन है उनका अंजाम आले फिर और उन लोगों का सा होगा जो उनसे पहले थे उन्होंने हमारी आयात को जुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाह के बायस उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है ए नबी सल जिन लोगों ने कुफर किया उनसे कह दीजिए अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और तुम जहन्नुम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे हांके जाओगे और वो बुरा ठिकाना है बेशक तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक बड़ी निशानी है जो बदर में बाहम टकराए, टकर बदर पर तबसरा है एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था मुसलमान जाहिर आंखों से उनको अपने से दो गुना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद से जिसको चाहता है कुत देता है बेशक इसमें बसीरत वालों के लिए इबरत है लोगों के लिए ख्वाहिशातें न की मोहब्बत मुजयन पुरकश कर दी गई है ये बड़ी अहम आयत है तबई मोहब्बतें अल्लाह ने हमें बनाया है हमारी केमिस्ट्री बनाई है हमारे अंदर कुछ चीजों की मोहब्बतें रखी हैं अगर वो मुहबतें ना होती तो ये सारा जो निज़ाम है दुनिया का ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता जानवर के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत रखी है कि वो बिल्ली भी अपने बच्चे को पालती है प्यार करती है हर जानवर क्या परिंदा क्या दरिंदा अपने बच्चों से प्यार करता है वो प्यार ना करें तो बच्चा पाल नहीं सकता इसी तरह से मामला है इंसानों का तो ये मोहब्बतें किस किस चीज की है जो मुजयन हुई हुई है हमें खूबसूरत लगती हैं हमें अच्छी लगती है और हलाल हैं जायज हैं जुशीनसी हब्बु शहवा मुजयन कर दिया गया लोगों के लिए शहवा की मोहब्बत औरतों से वलबन और बेटों से वलकनातीमकन्तरा और सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेर वलखैलमुसमा और उमदा घोड़े वलअन आम वल हर्ष और मवेशी और खेतिया इनसे मोहब्बत ना हो तो कोई इंसान कभी कोई जॉब ना करे कोई कैरियर ना बनाए कोई शादी ना करे कोई बच्चा ना पाले तो निजाम दुनिया निज़ाम हस्ती चल ही नहीं सकता ऐसा ही है ना लेकिन अल्लाह ताला चैनलाइज़ भी करते हैं मोहब्बतों को इन्हीं मोहब्बतों के अंदर से आखिरत को भी कमाना है करना सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्हीं मोहब्बतों में गुम हो जाएं और हम आखिरत को भूल जाए और बेहतर जो है उसकी तरफ तवज्जो ही ना करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मताउल हयात दुनिया ये बाहर हाल सब कुछ दुनिया की जिंदगी का सामान है वल्लाहु हुस्नुल हसनआब और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है दालिकुम तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि नबी इनसे कहिए क्या मैं तुम्हें इन सारी ये जो मोहब्बतें हैं जिनमें तुम गुम हो जाते हो अगर इनको इतना इस्तेमाल करो जितना दुनिया के लिए जरूरी था तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन अगर तुम इनमें गुम हो गए हो तो फिर इनसे कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताऊं लू और ये उन लोगों के लिए कि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया इंदर जन्नात उनके रब के हाँ बागात हैं, तजरीम नहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी अच्छा जन्नत का जितना भी तस्वर अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें ग्रीनरी पानी की फरावानी और ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स, नुमा महलात और बिल्डिंग्स और घर और ये वो चीजें हैं ये इनकी भी इंसान को तबीयी ख्वाहिश होती है लेकिन जो असल है वो क्या है के जन्नत की नेमतें ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी और ना किसी ख्याल करने वाले दिल पर उनका कभी ख्याल भी गुजरा बस हमारे जहन में तो एक बड़ा एक फ्लरिशिंग और लेविश और ग्लैमरस चीज आ जाती है ना लेकिन जन्नत इससे कहीं और ही कोई चीज है वो तो जब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा उससे पहले पता नहीं चल सकता अल्लाह ताला ने उसको सरप्राइज रखा है हमारे लिए सिर्फ हमें मानूस करने के लिए और हम हमें मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर करने के लिए ये आ, जो है जाहिर है के अल्फाज तो यही है लेकिन जो इनकी कैफियत होगी वो हम उस दिन ही जानेंगे गए इन शालिदीन हमेशा रहने वाले उसमें वह वा अजवाज मुतरा और पाकिजा या पाकिजा स्पाउस व मिनल्ला और अल्लाह की रजाएं सबसे बढ़कर वल्लाहु इबाद और अल्लाह अपने बंदों पर खूब नजर रखने वाला है तो वही जो तबई मोहब्बतें पीछे गिनवाई गई है इन्हीं में तकवायार करके जिंदगी गुजारोगे तो जन्नत भी हासिल कर लोगे अब मुत्तकीन कौन है और अल्लाह के बंदे कौन है उनके कुछ यहाँ पर सिफात बताई जा रही है

और शहरी के वक्त में बख्शिश तलब करने वाले हैं ये खूबियां अपने अंदर पैदा भी करें और ये चेक लिस्ट है अपने आप को चेक कर लें इसके ऊपर जहां जहां लैक करते हैं उसको अपने अंदर पैदा कर लें इंशाल्लाह अल्लाह ने गवाही दी है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं फरिश्तों और अहल इल्म ने भी गवाही दी है हा ये कि वो इंसाफ के साथ कायम है उसके सिवा कोई माबूद नहीं वो गालिब है खूब हमत वाला बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है ये जो वादत अदियान है या हर दीन अच्छा है तो फिर अल्लाह को ज़रूरत क्या थी एक दिन के बाद एक और दीन लाने की एक पैगम्बर के बाद एक और पैगम्बर लेकर आने की तो अब इस्लाम के आ जाने के बाद जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल दीन है वह सिर्फ इस्लाम है और अहल किताब ने सही इल्म आ जाने के बाद सिर्फ इसलिए इख्तिला कि वह बाहम जिद और हसद रखते थे और जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करता है तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है ए नबी फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो कह दीजिए मैंने अपना सर अल्लाह के आगे झुका दिया है और मेरा इतबा करने वालों ने भी और उन अहल किताब और अनपढ़ लोगों से पूछे क्या तुम इस्लाम लाते हो फिर अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो हिदायत पा गए और अगर मुंह मोड़े तो आपके जिम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है बेशक जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं तो आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और उनका कोई मददगार नहीं क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब के इल्म से कुछ हिस्सा मिला यानी पूरा इम नहीं मिला कुछ हिस्सा मिला और ये यहूद और ना उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है यानी कुरान की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरम्यान फैसला करे तब उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ लेता है और वो हक से फिरने वाले हैं ये इस वजह से है कि उन्होंने कहा कि हमें आग चंद दिनों के सिवा हरगिज न छुएगी और उनको उनके दीन की बात उन बातों ने धोखे में डाल रखा है जो वो खुद घटते हैं फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं और उस रोज हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा

और जिसे चाहे बादशाही छीन लेता है और तू ही जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है सब भलाई तेरे ही हाथ में है बेशक तू हर चीज पर खूब कादिर है तू रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और तू मुर्दा से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा को निकालता है और जिसे तू चाहे बेहिस रिस्क देता है अहल ईमान मोमिनों को छोड़ काफिरों को हरगिज दोस्त ना बनाए और जो कोई ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह ये कि तुम उन काफिरों के शर से बचना चाहो और अल्लाह तुम्हें अपने ज़ात से डराता है कुफार के साथ दिली दोस्ती ऐसी दोस्ती कि आप अपने राज उनसे शेयर करें अपने मशवरे उनसे करें और उनके रंग में रंग जाए ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए अलबत् आपको हो के इनके शर से बचने के लिए इनके साथ एक अच्छा सलूक और एक जो है सुपरफिशियल लेवल का ताल्लुक वो रखा जा सकता है नॉन मुस्लिम हमसा हो तो उसके साथ भी ताल्लुक रखा जा सकता है लेकिन ऐसा दिली ताल्लुक ना रखें कि आप अपने दीन से जाएं और तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है आप कह दीजिए अगर तुम वो बात छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है या उसे जाहिर करो अल्लाह उसे जानता है और वो उसे भी जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है यौम कुल्लु योम मा अमिलत मिन खर मुहदरा जिस दिन हर शख्स अपने किए हुए अच्छे अमल को और अपने किए हुए बुरे अमल को सामने पाएगा वो ख्वाहिश करेगा कि काश उसके और उसकी बुराई के दरमियान दूर का फासला होता अमदम बीदा बहुत दूर का लंबा फासला मेरे और मेरी बुराई के दरम्यान हो जाए आज और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा और हमारी बुराइयों का दूर का फासला हो तो इसके लिए तो हमें आज खुद उनसे दूर होना है अपनी बुराइयों से और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है और अल्लाह अपने बंदों से बड़ी शफकत करता है यानी अल्लाह का जो डराना है ना अपनी से ये दरअसल उसकी शफकत है कि आज अल्लाह से डर जाओ तो अल्लाह ताला को शफीक और रहीम पाओगे अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें सजा दे तुम तो अल्लाहूनीह वक फिर जुनूब वफूर रहीम आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुना बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतदा आपकी पैरवी हमारे ऊपर वाजिब है रिचुअलिस्टिक भी और स्पिरिचुअल भी आप अलैहि वसल्लम वाले अखलाक आप वसल्लम वाले मामलात अपने आप को उस कसौटी पे ही परखें कि अल्लाह के रसूल कैसे किया करते थे अल्लाह ताला हमें काम इस तरह का इंसान नहीं देखना चाहता कि जिसका कोई कमजोर सा रोल मॉडल हो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को रोल मॉडल बनाया और फिर साथ साथ दीकर अम्बिया कराम को भी हमारे लिए रोल मॉडल बनाया तो अल्लाह ताला तो हमें कहाँ एलिवेटेड होके देखना चाहते हैं और इतबाही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फायदा क्या होगा अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आपके गुनाह भी बख्श देगा आप कह दीजिए तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इतात करो फिर अगर वो मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता एक हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन सामिद कहते हैं कि अबू जर ने अर्ज की या वसल्लम एक आदमी बाज लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन उन जैसे अमाल नहीं कर पाता तो उसके बारे में क्या हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबुज़र तू कयामत के रोज़ उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है तो अबूजर ने अर्ज की मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबुज़र तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है अब सिर्फ मोहब्बत ही की बात क्यों इसलिए कि मोहब्बत वो जज्बा है कि आपसे अमल करवा लेता है अगर आपको वाकई अल्लाह से मोहब्बत है ना तो आपको इत्तबाए रसूल करना बड़ा आसान होगा बल्कि आपको इतबाही रसूल के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल लगेगा बेशक अल्लाह ने आदम को नू को आल इब्राहिम और आल इमरान को तमाम जहानों में से नबत के लिए चुन लिया है ये एक दूसरे की औलाद थे और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है इनशाला आज हम इधर ही इसको रखेंगे और इनायात से हम कल दोबारा शुरू करेंगे सुबह अल्लाह तब सब का आना बैठना पढ़ना पढ़ाना यहाँ पर कबूल फरमाए और हम सबको जो हमने पढ़ा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए इस मजलिस के बदले हमें अपने अर्श के साय में जगह अता फरमाए और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे एक तेरी रजा की खातिर अल्लाह की रजा की खातिर एक दूसरे से मिलने और बिछड़ने वाला बना दे या आलमीन तो हमसे राजी हो जा तो हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं या याहमर्राहमीन या वल जलाक्राम हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जो नबी तुझसे मांगी हर उस शर्स से तेरी पना चाहते हैं जिससे नबी वसल्लम ने तेरी पनाह चाही वला सुबह खल ही अजमैन Bi rahmatika ya arhamir rahimin.